आज के इस नेशनल वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये जो वेबिनार है इसको होम साइंस डिपार्टमेंट, संस्कृत विभाग, उसके साथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिक वोकल, इन डिपार्टमेंट्स के साथ साथ बाकी हमारे साथ जुड़े हुए जो कॉलेजेस हैं, RKST कॉलेज कैथल, GMN कॉलेज अम्बाला कैंट, MPN कॉलेज मौलाना, आर्या गर्ल्स कॉलेज अम्बाला कैंट और ST आदर्श संस्कृत कॉलेज अम्बाला कैंट, इन सभी ने मिलकर के ये विचार किया कि इस तरह का विषय जिसको हम बहुत सामान्य रूप से समझते हैं, और समझते भी नहीं हैं, बल्कि ये शब्द गलत होगा, हम मानते हैं कि हम सुंदरता को जानते हैं, इसीलिए हम अपने आप को भी सुंदर बनाते हैं और अपने आसपास की वस्तुओं को, अपने आसपास के वातावरण को अपने अपने हिसाब से, जैसा जैसा हमारी सोच होती है, जैसा हमारा व्यवहार होता है, उस तदनुकूल हम उसको सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। अपने अपने हम सभी के स्तर होते हैं और अपना अपना दृष्टिकोण होता है सौंदर्य को लेकर के, लेकिन वस्तुतः ये सौंदर्य है क्या और इसको समझा कैसे जाता है और इसके मूल्य क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती हैं और किस तरह से ये पूरे समाज को प्रभावित करता है और इसके स्टैंडर्डाइजेशन किसी भी कल्चर में क्या होते हैं, इस तरह के सारे विषयों को हम जानना, सोचना, समझना चाहते हैं आज के दिन में। और उसी के लिए हमने आज दो विदुषियों को, दो स्कॉलर्स को हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है। एक तो डॉक्टर मेजर नीलम कुमारी जी हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशंस, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होम साइंस चंडीगढ़ से हैं, और दूसरे हमारे साथ जो वक्ता के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर शिवानी शर्मा, जो पूर्व चेयरपर्सन रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इससे पहले कि मैं आगे की सारी बातचीत शुरू करूं, ये भी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि इंटरडिसिप्लिनरी वेबिनार करना जो है, ये बड़े आज की आवश्यकता हो गई है नए एजुकेशन पॉलिसी में भी, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी के ऊपर जोर भी बढ़ा है और ये भी जरूरी बहुत हो गया है कि हम एक दूसरे की बात को समझ सकें। और ये भी लगता था कि होम साइंस डिपार्टमेंट में जो, जब आप सिलेबसेस देखते हैं, जो कुछ पढ़ाया जाता है, जब कभी उसके बारे में चर्चा होती थी और हुई आगे भी, कि उसमें ठीक है साइंस का एलिमेंट तो ठीक है जितना भी आप पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें जब हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो उसमें सिलेबस में कौन कौन से पोर्शंस आते हैं या इंडियन पर्सपेक्टिव कितना सिलेबसिस में है। और इसी बात को लेकर के जब आपस में संस्कृत डिपार्टमेंट और होम साइंस डिपार्टमेंट की आपस में कई बार जब बात हुई, तो उनमें से एक विषय ये भी था कि एस्थेटिक्स, क्योंकि सारे का सारा होम साइंस साइंस होते हुए भी एस्थेटिक्स के ऊपर सारा का सारा जोर होता है, तो उन पैराडाइम्स को, उसके कॉन्सेप्ट को समझते समझते उसकी परिणति जो है आज हम इस वेबिनार के रूप में देख रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, और इससे पहले कि मैं मैडम याशना को आमंत्रित करूं आप सब लोगों का स्वागत करने के लिए और आज के मुख्य वक्ताओं का स्वागत करने के लिए, उससे पूर्व मैं आप लोगों के साथ दो तीन बातें साझा करना चाहता हूं कि अभी तक, क्योंकि वेबिनार करने का एक प्रयोजन ये भी होता है कि हम जानते क्या हैं, कितना है, और जब आप एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं तो उनसे और अधिक उसे आगे जानने की आपकी इच्छा होती है, तो इसीलिए एक्सपर्ट्स को उसमें आमंत्रित किया जाता है। तो सामान्य रूप से ट्रेडिशनली हम जब सौंदर्य की बात करते हैं तो उसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो ट्रेडिशनली, मैं अभी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव छोड़ रहा हूँ और बिल्कुल मॉडर्न पर्सपेक्टिव को भी अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन जो सामान्य रूप से जो हम ट्रेडिशन में पढ़ाते हैं या संस्कृत सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाते हैं, तो उसमें सौंदर्य की आवश्यकता के दो रूप हैं। एक तो ये है कि योग, क्योंकि
सौंदर्य जो है वो बिना योग के सिद्ध नहीं होता। अब योग को केवल आप एक्सरसाइजेस मत समझिएगा, एक फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट है, पूरी एक फिलॉसफी है कि कैसे जोड़ो, कैसे आपने वस्तुओं को, तथ्यों को, भावों को जोड़ना है, उनका समन्वय करना है, वो योग है। और भोग है कि उससे जो मिलने वाला सुख है, आनंद है, उन दोनों का जो सिंथेसिस है, दोनों की सिंक्रोनाइजेशन है, दोनों में एक जो इंटर रिलेशनशिप है, उसमें कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। ये सौंदर्य का पहला रूप है जिसकी हमें, जिसकी वजह से हमें सौंदर्य की आवश्यकता है। क्योंकि अगर योग करते हैं तो भोग के साथ उसका तालमेल नहीं बैठता, और भोग को अगर में जाते हैं तो योग के साथ नहीं बैठता। लेकिन सौंदर्य में ये दोनों बातें आप देखेंगे कि दोनों का बहुत सुंदर सिंक्रोनाइजेशन बैठता है। और दूसरा, सौंदर्य में एक और बड़ी खूबसूरत बात आती है कि जीवन दृष्टि कोई भी हो, वो अतिवाद से पीड़ित नहीं होता, एक्सट्रीम्स पे नहीं जाती। अगर सचमुच आप जीवन सौंदर्य को समझते हैं, जानते हैं, सौंदर्य के प्रति आपका आग्रह है, तो आप कभी भी जीवन में अतिवाद से पीड़ित नहीं होंगे। और फिर साथ ही साथ, बहुत संक्षेप में मैं दो तीन बातें और शेयर करना चाहता हूँ कि सौंदर्य शब्द को जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसको पांच रूपों में प्रयोग करते हैं, एस्थेटिक्स को। एक तो है दर्शनीय वस्तु, जो देखने योग्य वस्तु है, उसके रूप के अर्थ में, किसी वस्तु के विशिष्ट मूल्य के रूप में भी हम उसका प्रयोग करते हैं, और रूप सौंदर्य के द्वारा जो प्राप्त होने वाली आनंद अनुभूति है, जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, उस रूप में भी इसको देखते हैं। और फिर चौथा जो उसका पक्ष है, वो है कि कला साहित्य में भाव या कर्म की संवेद्य अभिव्यक्ति, जो बड़ी संवेदनशील सेंसिटिव एक्सप्रेशंस होते हैं, उससे जो आपको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उस रूप में भी आप सौंदर्य को समझते हैं। और पांचवा जो पर्सपेक्टिव है, वो है कि साहित्य कला में जो निहित अभिव्यक्ति की मार्मिकता है, जिसके ऊपर आप वाह कर देते हैं, वो मार्मिकता जो है वो भी सौंदर्य का पांचवा पक्ष है। तो थोड़ा सा स्पीड अप करते हुए इस विचार को, उसके बाद मैडम याशना को मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारे पास जो सामान्य रूप से हिंदी संस्कृत में अपनी भाषा में जो हमारे पास शब्दावली होती है, वो है रमणीयता, मधुरता, चारुता, सुषमा, लालित्य, सौभाग्य। हालांकि इन शब्दों का हम बहुत कम प्रयोग करते हैं, लेकिन ये शब्दावली हमारे पास है। क्योंकि जब तक आपके पास किसी विषय की शब्दावली नहीं है, तो आप उसके ना तो डेफिनेशंस को समझ पाएंगे, ना उसके कॉन्सेप्ट को ठीक से पकड़ पाएंगे, और ना ही उसकी जो थ्योरीज हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसको ठीक से फॉलो अप कर पाएंगे। क्योंकि विचार जितना सूक्ष्म होता है, उतना ही उसके अनुसार आपको आवश्यकता होती है शब्दों की। तो इसको जब इक्वेशन में हम ढालने की कोशिश करते हैं, ये मैंने कोशिश की है, और मैं उसका फिर आपको ग्राफिक्स में भी दिखा देता हूँ बहुत ब्रीफली आपको, कि सौंदर्य जो है, सौंदर्य इज इक्वल टू अस्थि। अस्थि का मतलब होता है टू बी। यहाँ से सौंदर्य की पहली सीढ़ी शुरू होती है, और उसको जब आप मल्टीप्लाई अपनी फ्रीडम के साथ करते हैं, स्वातंत्र उसके साथ, जब आप आभासीय, टेक्निकल टर्म है इंडियन फिलोसफी की, जो लेटर पीरियड में मैं आप लोगों के साथ लूंगा जब बीच बीच में चर्चा होगी, आभास है, उसमें जो उभर करके आता है, जिसको आप एक्सप्रेस करते हैं, और फिर स्पंद है, जिसे चमत्कार कहते हैं, कि वाइब्रेशंस उसमें क्या है, वो वेवलेंथ उसकी क्या आती है, उसको जब आप मल्टीप्लाई अपने भवती के साथ करते हैं, जिसका मतलब होता है बिकमिंग। क्योंकि दो ही चीजों के बीच में आप सौंदर्य देखेंगे, टू बी एंड बिकमिंग, तो इन दो के बीच में सारे का सारा आप एस्थेटिक्स को देख पाएंगे। और इसको जब आप डिवाइड करते हैं डूअर की फॉर्म में, इंजॉयर की फॉर्म में, और नोअर की फॉर्म में, तो आपके सामने थ्री डायमेंशनल एस्थेटिक्स आ जाता है, कि एज ए डूअर, एज ए इंजॉयर, और एज ए नोअर। तो हमारा आज का जो फोकस रहेगा कि एज ए नोअर हम लोग सौंदर्य को, एस्थेटिक्स को, ब्यूटी को, इसको किस रूप में कैसे कैसे समझते हैं। ये इसका ग्राफिक्स है कि आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अस्थि और भवती, जिसे टू बी और बिकमिंग कहते हैं, उसको जब आप उसके बीच में एज ए डूअर और नोअर और इंजॉयर के रूप में आप देखते हैं, तो उसमें तीन एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके आधार पर, जिनकी मैं बात कर चुका हूं, आपकी फ्रीडम है,
हर आर्ट के आर्टिस्ट के पास फ्रीडम होती है, एंजॉयर के पास भी अपनी फ्रीडम होती है और नूअर के पास भी। और फिर उसमें आभास की आप अभिव्यक्त कैसे करते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं और आपके मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशंस क्या हैं, और फिर उसमें जो सेंसिटिविटी का एलिमेंट है जिसे आप स्पंद कहते हैं, उससे आपका एस्थेटिक्स जो है, एक सफल एस्थेटिक्स, पॉजिटिव एस्थेटिक्स जिसे आप कह सकते हैं, वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अब चलिए मैं बहुत ब्रीफली आपके साथ क्योंकि हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न के बारे में बात करनी है, दोनों पैराडाइम्स के बारे में एस्थेटिक्स के, तो आप क्योंकि होम साइंस से हम बात शुरू कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे बड़े क्लियरली देख सकते हैं इस स्क्रीन पर कि एक तरफ जो है वो इंडियन पैराडाइम्स ऑफ एस्थेटिक्स क्या है, आपके सामने पूरे के पूरे फूड और फूड कल्चर आपको दिखाई देता है, और दूसरी तरफ वेस्टर्न फूड कल्चर दिखाई देता है। दोनों में एस्थेटिक्स है, ये केवल समझने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि हमारे सामने एक बातें क्लियर हों, ताकि जब हम एक्सपर्ट्स की बातों को सुने समझें तो हमें पता हो कि हम क्या सुनने जा रहे हैं और किस माइंड के साथ, किस पर्सपेक्टिव के साथ हमें उन बातों को और किस सेंसिटिविटी के साथ हमने उनको समझना है। फूड के साथ साथ आपके बॉडी स्ट्रक्चर भी है, और पूरे का पूरा जब आप ग्रीक और यूरोपियन वेस्टर्न आप देखते हैं कि बॉडी के ऊपर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और इधर इंडिया में आप देखते हैं तो ये आपको एक पैराडाइम्स दिखाई देते हैं। ये डिफरेंस आप समझने के लिए है, देखने के लिए है। इसी तरह आप और जब आप देखते हैं तो एक तरफ आपको इस तरह के चित्र दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ आपको बहुत उदासी भरे चित्र भी दिखाई देते हैं वेस्ट में। और जब तक हम उनकी माइथोलॉजी को, उनकी हिस्ट्री को, उनके कल्चर को नहीं समझेंगे तो हम एस्थेटिक्स को प्रॉपरली, मुझे नहीं लगता है कि एस्थेटिक की वैल्यूज को हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं फिर आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ कि ये कोई कम ज्यादा करके देखने वाली बातें नहीं है, ये हर एक कल्चर के, वेस्ट के अपने पैराडाइम्स हैं, हमारे अपने पैराडाइम्स हैं। स्ट्रक्चर को भी आप देखिए कि आपके यहाँ पर जो टेम्पल आर्किटेक्चर है और जो उधर चर्च का आर्किटेक्चर है, दोनों के डिफरेंसेस आप देखिए, इनके माइन्यूट डिटेल्स में अभी हम नहीं जा रहे हैं। इसी तरह डांस फॉर्म्स में और जो आपके एस्थेटिक एक्सपीरियंस हैं उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा कि इंडियन जो आपको दिखाई देता है डांस फॉर्म्स में अपने भावों की, रसों की अभिव्यक्ति, और उधर जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म के ऊपर ज्यादा जोर रहता है डांस में। इसी तरह से आप जब और एस्थेटिक्स की फॉर्म्स को देखने लगते हैं तो एक तरफ आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं इंडिया में जहाँ पर मेडिटेटिव ज्यादा है, और दूसरी तरफ जब ग्रीक बेस्ड और वेस्टर्न उसमें देखते हैं तो वो एक तरह से जो डिवाइन और स्पिरिचुअल उस तरह के जो हैं आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, ड्राइंग्स और पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। और इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। आप देखिए कि एक तरफ हमारे पास अपनी इंडियन ट्रेडिशन में इस तरह के बड़े कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बड़े क्लियर कट स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, और दूसरी तरफ आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देते हैं। तो ये मैं केवल आप लोगों को दिखाना चाहता था, और इसके साथ ये केवल एक भूमिका के रूप में आप लोगों के साथ मैं बात करना चाहता था। और इसके बाद ये कुछ सवाल हैं, सवाल हमारे फंडामेंटल वही हैं कि वाई वी नीड एस्थेटिक्स इन लाइफ एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय एस्थेटिक्स एंड व्हाट मेक्स अ थिंग ऑब्जेक्ट सिचुएशन पोइट्री डांस फॉर्म म्यूजिक इटीसी ब्यूटीफुल एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एस्थेटिक्स। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक विषय है जिसको हम एक वेबिनार में नहीं संभाल सकते, या हम ये सोचें कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स आधे आधे घंटे में अपनी सारी बात रखेंगे, ऐसा संभव तो नहीं है। लेकिन वो हमें गाइडलाइंस दे सकते हैं, हमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हाउ टू अप्रोच एस्थेटिक्स। सो मैं इनवाइट कर रहा हूँ मैडम याशना को, जो हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस की, कि वो हमारे साथ जुड़े हुए सभी कॉलेजेस के बिहाफ पर और डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पर जो है हमारे दोनों स्पीकर्स का जो है वो वेलकम करें, स्वागत करें और दोनों स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस भी करें। मैडम याशना। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
on the behalf of Sanatan Dharma College from Department of Home Science, Sanskrit, Music, Vocal and Instrumental, Arya Girls College, GMN College, RKSD College, Kethal, MPN College, Mulana, I wish all of you I wish a warm welcome to all the participants, faculty members, students, and our special welcome to our honorable speakers for the national webinar, Madam Dr. Major Neelam Kumari, who is an associate professor and associate NCC officer at Government Home Science College, Chandigarh. Her specialization is in human development and family relation. She is also actively involved in field work with bundle of research papers. Welcome, Neelam ma'am. And I also welcome our another speaker from Punjab University, Chandigarh, Madam Dr. Shivani Sharma, from Department of Philosophy. She is also an expert with enormous researches by conducting so many PhDs under her guidance, and she has also experienced national and international conferences around the world. I welcome you all, and I welcome our honorable speakers for the webinar. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. So this is a time to open up the webinar. So जो हम जानते थे वो हमने अपने experts के साथ और अपने जितने भी participants हैं उनके साथ हमने वो share कर लिया है, और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर मेजर नीलम कुमारी को कि वो हमारे साथ इस विषय के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जो गाइडलाइंस, जो एक परसेप्शन, जो अंडरस्टैंडिंग, जो स्कॉलरशिप है वो हमारे साथ शेयर करें, और ताकि हमारी समझ भी बढ़ सके और हमारी दृष्टि जो है वो सूक्ष्म हो सके कि ये एस्थेटिक्स बेसिकली है क्या और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं और इसको हम समझें कैसे. Welcome, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Before I present, I definitely want to say few words. Ashutosh sir ने जो अपनी presentation दी थी, really it was wonderful, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से Indian culture को Western culture के साथ compare करके दिखाया था, उसमें जो God की picture थी, really आप हमें अपने God को देखें, so smiling है ना, और वो मुझे देख के मतलब बहुत अच्छा लगा. और जो टेम्पल का दिया, मतलब रियली एस्थेटिक जो हमारा टॉपिक है, डेफिनेटली मतलब यही दिखाता है कि हमें अपनी चीजों में पहले क्या कहते हैं ब्यूटी सर्च करनी चाहिए. पहले हमें अपने आप में, अपने घर से, अपनी सोसाइटी में, अपने देश में, एंड फिर वी शुड गो फॉरवर्ड. ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो कहते हैं कि वी नीड टू कंपेयर विद अदर कंट्री. तो बिफोर वी कंपेयर विद अदर कंट्री वी शुड नो व्हाट इज इन आर कंट्री, और देखने के लिए हमें क्या चीज चाहिए. क्योंकि एस्थेटिक का मतलब ये है कि कोई भी चीज सही और गलत नहीं होती है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल. बिकॉज जैसे सर ने भी कहा है कि हमारा पर्सपेक्टिव है which makes a difference, कि हम किस perspective से उसको देख रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि कोई गलत है, कोई सही है, वो उनकी ब्यूटी है और ये हमारी ब्यूटी है. सो कंपेरिजन करके हम किसी को वो नहीं, मतलब क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी चीजों को. दैट इज द मेन फोकस. सो वी ऑल शुड नो वट इज द मीनिंग ऑफ एस्थेटिक्स. वी शुड बी रेस्पॉन्सिव टू ब्यूटी. ब्यूटी सिर्फ नेचर में ही नहीं है, ब्यूटी ह्यूमन बीइंग में है, ब्यूटी हमारी कल्चर में है, ब्यूटी हमारे रिलीजन में है. ब्यूटी को देखने का नजरिया, बिकॉज इट इज ए स्टडी ऑफ माइंड. हम सोचते क्या है, हम बिहेव कैसे करते हैं, हमारे इमोशंस क्या हैं, तो दैट ऑल मेक्स ए ब्यूटीफुल. बिकॉज कहते हैं ना कि ये डिप्रेशन में है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब उसको जीवन के प्रति बड़ी नेगेटिव सोच होती है, बिकॉज उसका सैड इमोशंस की वजह से. तो फिर हम कहते हैं कि चलो नहीं, आप बाहर जाओ, चेंज करो, लोगों से बोलो, हंसो, तो वो चीज डिप्रेशन खत्म हो जाता है. तो ब्यूटी इज टोटली डिपेंड ऑन योर थॉट प्रोसेस, हाउ यू फील, इमोशंस आर इन्वॉल्व. So it is an ability to reflect on and appreciate the world around us. तो आप अपने घर से शुरू करो, फिर सोसाइटी से जाओ, फिर बाहर जाओ, तो we should move forward like this.
एंड ये एक दिन में नहीं डेवलप होती कि हम सोचे कि अब बच्चा बड़ा हो गया है और उसको क्या कहते हैं अप्रिशिएट करना आना चाहिए। नहीं, हम जैसे आप बोल रहे थे सर कि होम साइंस में हमारे बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, बहुत सारे लोग होम साइंस को जानते नहीं है। होम साइंस में एस्थेटिक का बहुत रोल है। खाना हम रोज खाते हैं लेकिन हाउ इट शुड बी प्रेजेंटेबल, ठीक है, क्योंकि अगर वो प्रेजेंटेबल होता है तो सब बड़ा अच्छा खाते हैं, बिकॉज बेसिक आटा चावल ही होते हैं, लेकिन हाउ वी क्रिएट द डिश, वहां पर क्या कहते हैं डिफरेंस होता है, किस तरह से हम अपने घर का इंटीरियर अच्छा करते हैं कलर से। तो होम साइंस में हमारे जो डिसिप्लिन है, जो हमारी पूरी फैशन इंडस्ट्री है, वो पूरे एस्थेटिक पर बेस्ड है। तो होम साइंस टोटली डिपेंडेंट ऑन एस्थेटिक, हम इसको इससे और ब्यूटीफुल बनाते हैं अपने सब्जेक्ट को। अगर किसी बच्चे को आपने क्या कहते हैं एस्थेटिक सेंस डेवलप करना है, तो जब वो छोटा है वहीं से ही उसको क्या कहते हैं सेंसिटाइज करना जरूरी है कि वो चीजों को एक्सप्लोर करे, मैनुपलेट करे और हर चीज को अप्रिशिएट करे, बिकॉज ब्यूटी इज नॉट ए सब्जेक्टिव, इट इज ए परस्पेक्टिव, और एक दिन में डेवलप नहीं होती है, इट इज ए रेगुलर फीचर, स्लोली होती है, ऑल ऑफ ए सडन भी नहीं होती है। एंड एस्थेटिक इज समथिंग कि यू फील हैप्पी, ठीक है, इट हेल्प्स इन इलिसाइटिंग फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस काम। तो एस्थेटिक जो है आपको प्लेजेंट, पॉजिटिव, आर्टफुल, एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है। आपकी पर्सनैलिटी को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यू वॉन्ट टू बी गुड पर्सन, तो अगर आपके अंदर एस्थेटिक सेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। बिकॉज अब अगर आप क्या कहते हैं लग्जरियस लाइफ की तरफ जाते हैं, आपको लगता है कार बहुत अच्छी होती, बहुत सुंदर है, कार को देख के आप बहुत इंप्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन साइकिल को देख के कोई साइकिल पे दिखता है तो आपको कुछ नहीं लगता, तो ये चीज गलत है। मतलब ये ब्यूटी साइकिल बाइसाइकिल राइडर पर भी है, कार जो चला रहा है उस पर भी है, तो इट मेक्स ए डिफरेंस कि आप क्या चीज देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। ये कई बार एस्थेटिक इस तरह से हमारी सोसाइटी में बहुत इम्पैक्ट डालता है, बिकॉज वी बिकम सो क्रिटिक, जो हम, क्योंकि बच्चा जो है शुरू से ये देख रहा है कि आप जिस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हो वो भी धीरे धीरे आपको एज ए रोल मॉडल लेता है और वो भी वही चीज अप्रिशिएट करने लगता है। अगर आप लग्जरियस लाइफ की तरफ जाएंगे तो वो भी धीरे धीरे लग्जरियस लाइफ की तरफ जाएगा और ऐसी ऐसी डिमांड करेगा जो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को जब हम क्रिटिसाइज करें, पॉजिटिव नेगेटिव, तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एंड ये तो है ही कि हमारी जो इंडियन आर्ट है दैट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द रिलीजन, ये मैंने लिखा था, सर ने कवर किया है। Why to develop sense of aesthetic? It is cultivated over a period. I have discussed slowly but surely. It is not taught in a school. जो हमारी contemporary education है, जो हमारी आज की education है, वहां पर हम aesthetics को पढ़ाते नहीं है, उसको अलग से कोई focus नहीं करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। अब जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें हम स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वो स्किल कहीं अलग से नहीं आ रही, कहीं ना कहीं आपका एस्थेटिक का कंपोनेंट है कि आप स्किल बेस्ड हो, ऐसे सुंदरता की तरफ जाएं, चीजों में देखें, नहीं ये जॉब भी अच्छी है, ये जॉब भी अच्छी है, ये नहीं कि ये पर्टिकुलर जॉब ही अच्छी है। तो ये चीजें हमें क्या कहते हैं बचपन से ही बच्चे के अंदर डालनी चाहिए। एंड ये ऐसे भी नहीं आती है, देयर इज समथिंग कि कुछ तो है ब्यूटी को देखने के लिए, एक स्किल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, कि जो हमारे सेंसेस हैं, हम साउंड, विजन, टच, ये जो सेंसेस हैं इनको यूज करके चीजों के प्रति हमारा नजरिया बदलना चाहिए। एक पत्थर देखता है बच्चा, पत्थर से खेलता है, पत्थर को कोई दूसरा देखता है वो उसको पूछता है, कोई पत्थर को देखता है उसमें क्रिएटिविटी करता है, आर्ट ढूंढता है, तो इट इज नॉट द स्टोन जो क्या कहते वो है, उसको आपने किस तरीके से देखा, किस तरह से किसने यूज किया। बच्चा पत्थर को यूज करके गेम खेल रहा है, कोई मंदिर में पूज, मतलब पत्थर तो पत्थर ही है ना, उसकी उसके अंदर जो ब्यूटी है पत्थर को किस तरह से लोग यूज कर रहे हैं और मेकिंग इट मोर ब्यूटीफुल। सो रॉ मटेरियल हमारी तरफ है, हमारे वर्ल्ड में सारी तरफ मटेरियल है, लेकिन उसको हम किस तरह से यूज करते हैं, बिकॉज एस्थेटिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि कुछ बैलेंस होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, कुछ मूवमेंट होना चाहिए, कुछ पैटर्न, लाइन, शेप, तो ये उसके प्रिंसिपल्स है, तभी वो एस्थेटिक दिखता है, अट्रैक्टिव बनता है। तो हम उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, अगर हम अपनी इनपुट डाल दें तो एनीथिंग कैन बी ब्यूटीफुल।
ठीक है, इट इज नॉट कि कोई नई चीज है वही ब्यूटीफुल होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो इनोवेशंस हो रहे हैं वो आजकल ऐसे नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें एस्थेटिक साइंस है तभी इनोवेशन भी हो रहे हैं, इट्स अ रूट कॉज ऑफ इनोवेशंस। सो वी शुड लुक फॉर ब्यूटी इन आवर सेल्फ एंड अदर्स, एंड वी शुड नो एंड वॉट आर द फॉर्म्स ऑफ आर्ट, एंड वी शुड अप्रिशिएट ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, लिटरेचर। ये हम बड़े आसानी से कह देते हैं ये फिल्म अच्छी नहीं थी, ये गाना अच्छा नहीं था, पर उसके पीछे कितने एफर्ट्स थे, उसने किस सेंस से उसको बनाया है। सो इट इज योर पर्सपेक्टिव कि आप 2 मिनट में किसी भी चीज को डिस्करेज कर देते हैं, पेंटिंग्स देखने जाते हैं, समझ नहीं आती मैक्सिमम लोगों के समझ है, लेकिन वो आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव है। तो हमें हर चीज को अप्रिशिएट करना आना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, उनके दृष्टिकोण को समझाना चाहिए, तो जब हम उनको एक्सपोजर देंगे तभी ये पॉसिबल है। सो वी शुड लुक फॉर कि उसमें अच्छा क्या हो, ना कि उसे रिजेक्ट करें हम चीजों को, एंड दे शुड नो, बच्चों को पता होना चाहिए कि चीजें ब्यूटीफुल हैं और उनको उनको अप्रिशिएट करना है, ये नहीं कि हर खरीदी हुई चीज ही ब्यूटीफुल होती है। ठीक है, जो पुरानी चीजें जो हेरिटेज होती है, जिसे हम कहते हैं ना हेरिटेज, जिसे संभाल के रखते हैं, तो जो पुराने टाइम की चीजें हैं, पुरानी आर्ट है, पुरानी पिक्चर है, हर चीज की ब्यूटी है, और हमें बच्चों को उधर की तरफ सेंसिटाइज करना चाहिए। और इट्स नॉट वन डे जॉब, इट्स ए स्लोली जॉब, डेली डिस्कशंस करना चाहिए। हम जब बात करें बच्चों से तो हमें क्या कहते हैं, उनको सेंसिटिव बनाना है कि वर्ड्स में ब्यूटी है। एक कवि जो कविता बोलता है, म्यूजिक गाना होता है, वो वर्ड्स में ब्यूटी ढूंढ रहे हैं, कलर में ब्यूटी ढूंढ रहे हैं। तो ब्यूटी जो है इट्स ए फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन, किस तरह से लोग इमेजिन करके चीजों को सामने ला रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू बी वेरी डेवलप सेंस ऑफ एस्थेटिक। सो इट इज काफी कुछ मैंने बोला है कि हाँ, इट्स ए पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड एवरी चाइल्ड नीड्स टू हैव राइट टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड एंजॉय द वर्ल्ड, एंड कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इज फोकसिंग ऑन द प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्शन, नेगलेक्टिंग इमोशंस, फीलिंग्स। बच्चा क्या चाहता है, कौन पूछता है, नहीं पूछते, नहीं, यू हैव टू स्कोर, यू हैव टू स्कोर, उसे क्या कहते हैं। इसीलिए हम फील्ड वर्क रखते हैं, प्रैक्टिकल वर्क रखते हैं, सिर्फ थियोरी थियोरी नहीं पढ़ानी चाहिए बच्चों को, बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो प्रैक्टिकल करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, तो वो अपने अंदर जो हिडन टैलेंट है उसको बाहर लाता है, एबिलिटी टू एंजॉय आर्ट एंड ब्यूटी एंड इज वंस इनर एंड आउटर लाइफ टू एक्ट अकॉर्डिंग्स। मतलब बच्चे को हम इस तरह से ट्रेन कर कि जो एस्थेटिक के प्रिंसिपल्स हैं वो उसको ऐसे डायरेक्टली समझ नहीं आते हैं, पर ये चीज हमें उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके उसमें थोड़ा सा माइनर फिनिशिंग टच देके हम उसको बताएं कि हाउ इट कैन बी ब्यूटीफुल, जो तुमने बनाया वो भी बहुत अच्छा है और इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो भी अच्छा है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एक्टिविटी एंड क्रिएटिव एक्टिविटी, वी शुड फोकस मोर ऑन द क्रिएटिविटी, और एस्थेटिक में क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोई भी नई चीज है उसमें टाइम लगता है उसको एक्सेप्टेंस में, पर न्यूनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूडेज जनरेशन, क्योंकि जब तक वो नया सोचेंगे नहीं, नया आइडिया लाएंगे नहीं, कुछ करने की उनके अंदर एबिलिटी को हम डेवलप करने के लिए हमें उनके रॉ स्टेजेस को भी एक्सेप्ट करना होगा, और उनको थोड़ा सा मतलब जब आप जाते हैं, इसीलिए कहते हैं विजिट कराओ, बच्चों को विजिट कराओ कि म्यूजियम में जाओ, पार्क में जाओ, नेचर को देखो, एनिमल्स को देखो, ये सारी चीजें होती हैं, एक दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट करो, डिस्कस करो। ठीक है, और बहुत जरूरी है हमें यहाँ पर कि बच्चे जो है ना, दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है उसको रिजेक्ट नहीं करना है, उसको हमें एक अच्छा लिसनर बनाना है, क्योंकि जो दूसरों के थॉट्स होते हैं दैट मेक्स अ डिफरेंस, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या डिफरेंस है, तो जो थॉट प्रोसेस है, जो आपके शब्द हैं, वो आपको दूसरे से अलग करते हैं। तो बच्चे को हमें ट्रेन करना है कि लिसन केयरफुली एंड सुनो उसमें क्या है। तो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ सेंस, एस्थेटिक सेंस इज काइंड ऑफ ट्रेनिंग। और चाइल्ड, एवरीवन नोस, चाइल्ड लर्न्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, चाइल्ड लर्न्स थ्रू एक्सपीरियंस, चाइल्ड नीड टू लर्न हाउ टू इवेल्युएट। इवेल्युएशन इज नॉट ईजी टास्क, किसी भी चीज में ब्यूटी ढूंढना, उसको इवेल्युएट करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू इवेल्युएट,
क्रिटिसाइज करना बच्चे को सिखाना, लेकिन क्रिटिसाइज ऐसे नहीं कि रिजेक्ट करना सीखे बच्चा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इवैल्यूएशन एस्थेटिक पॉइंट को ध्यान में रख के इवेल्युएट करना सीखना है. कोई चीज़ हुई इसको तुरंत फेंक देना, ठीक है. एनवायरनमेंट के प्रति भी बच्चे को सेंसिटाइज करना है कि इस तरह से अगर वो फेंकते रहे तो वेस्ट मटेरियल कहाँ जाएगा. रीयूज करना सिखाना है उनको चीज़ों को. अच्छा, इसको अब इस तरीके से यूज कर सकते हैं जो हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनवाते हैं. तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की लाइफ के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए. उसका जो टाइम है, लेजर टाइम है, उसको वो किस तरह से कंस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकता है और किस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पर अपने खुद गिफ्ट्स बना के अपने फ्रेंड्स को दे सकता है, ठीक है. क्योंकि बच्चे जो हैं एक दूसरे से बहुत सीखते हैं. उनको एक दूसरे के लिए ये सिखाना बहुत जरूरी है कि नहीं, जो चीजें हैं उनको रीयूज करो. एस्थेटिक सेंस जो है पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. और हमें क्या कहते हैं, बच्चे के अंदर ये एबिलिटी डेवलप करनी है कि किस तरह से जो चीजें अवेलेबल हैं एनवायरनमेंट में उनको देखें, उनसे क्रिएट करें. उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं. और हमें मतलब ये सोचना चाहिए कि डेली जो शेड्यूल होता है बच्चे का, उसमें 1 घंटा उसके साथ इन चीजों पर लगाना चाहिए. कि हाँ, लोगों की क्रिएटिव वर्क भी उनको दिखाने चाहिए, शेयर करने चाहिए. सो दैट चाइल्ड शुड सेंसिटाइज एंड इट्स एबिलिटी टू एक्सपीरियंस एस्थेटिक क्वालिटी. कि बच्चा जब देखता है ना किसी भी चीज को, वाओ. अभी आजकल आप देखते हैं सब बच्चे जो हैं फोन पर बैठे रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं. वीडियो क्यों इतनी इंप्रेसिव हो गई है? वीडियो क्यों क्यों बच्चे सारा टाइम उस पर, उन्हें पता ही नहीं चलता 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए. बिकॉज वीडियो में चीजों को डिफरेंट, सिंपल से चीज को बड़े ही क्रिएटिव वे में डाला गया है जो उनको एंजॉयमेंट देता है. और इसीलिए हमें लगता है कि क्या कहते हैं, वो मोबाइल पे देख देख के क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं. उन्हें वो भी सिखाना है कि हाउ टू यूटिलाइज टाइम इन गुड वीडियो. अच्छी वीडियो बनाएं, अच्छी चीजें बनाएं, अपने टैलेंट को शेयर करें, ठीक है. सो दैट पीपल गिव फीडबैक फॉर द बेटरमेंट. तो एस्थेटिक थिंग्स गिव एन एक्साइटमेंट, जॉय एंड पॉजिटिविटी. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनरिच द इमोशनल लाइफ ऑफ ए चिल्ड्रन एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेंस फॉर द एस्थेटिक वैल्यूज. क्योंकि एस्थेटिक सेंस इसलिए भी जरूरी है, अगर आप चाहते हो ना कि आपका बच्चा एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, गुड ह्यूमन बीइंग बने, तो ह्यूमन बीइंग के लिए एस्थेटिक सेंस का होना बहुत जरूरी है. हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू रिएक्ट. क्योंकि शब्द हम डेली बोलते हैं, हर कोई बोलता है, लेकिन किस तरह से बोलते हैं. अब डेली जो हमारे काम हो रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करना नहीं सिखाते बच्चों को, हम एज इट इज ले लेते हैं. पर डेली वर्क में, रूटीन वर्क में भी हमें उनको अप्रिशिएट करना सिखाना है बच्चों को. एंड व्हाट एल्स दे कुड डू जिससे वो थोड़ा सा अच्छा लगे. ओके, और पंक्चुअल हो जाए और बेटर डिसिप्लिन लाइफ हो जाए. तो डेली उनको फीडबैक बहुत जरूरी है, अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है. अप्रिशिएशन उठने में, खाने में, पहनने में, किसी चीज को लुक आफ्टर करने में. मीन्स वी नीड टू इनकलकेट दिस क्वालिटी अमंग द चिल्ड्रन टू अप्रिशिएट एंड क्रिएटिव एबिलिटी. कैपेबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ एस्थेटिक सेंस. और जब बच्चा अपनी बनाई हुई चीज को देखता है और उसमें ब्यूटी ढूंढता है, तो वो इतना ज्यादा बाहर की चीजों पर नहीं जाएगा, खुद कोशिश करेगा, ठीक है. ये अपने उसकी अपनी नॉलेज, बिकॉज किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए नॉलेज भी चाहिए, टैलेंट भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, एनवायरनमेंट भी चाहिए, ठीक है. सो इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है एज ए पेरेंट, एज ए टीचर. बच्चे को जजमेंट करना सिखाना है, क्योंकि तो किसी आउटपुट पर नहीं जाना चाहिए. दे शुड नो द प्रोसेस इन्वॉल्व. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, बच्चे मूवी देखते हैं या कुछ देखते हैं, कोई भी चीज है, सॉन्ग सुनते हैं, ये अच्छा नहीं है या ये ऐसा है. भेड़ चाल वाला हिसाब नहीं होना चाहिए कि हाँ सब एक चीज के पीछे, वो चीज प्लेजेंट लग रही, नहीं लग रही, भेड़ चाल. अपने अपने ऑन वो होने चाहिए, विचार होने चाहिए, अपने खुद का जजमेंट होना चाहिए. सो अगर आप चाहते हैं कि आज का बच्चा, जो आज की जनरेशन है,
उन जनरेशन को, छोटे बच्चों को एनकरेज करना चाहिए जब भी वो इंटरेक्ट करते हैं, तभी क्या कहते हैं आने वाली जनरेशन चेंज होगी, अपने कल्चर के प्रति सेंसिटाइज होगी, अपने नेचर के प्रति सेंसिटाइज होगी। जो बच्चे बाहर की ब्यूटी की तरफ जाते हैं, अपना इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं कि नहीं बाहर कुछ ऐसा है, स्विट्जरलैंड जाएंगे घूमने और बहुत खुश होते हैं, अरे अच्छा फॉरेन रिटर्न, अच्छा कनाडा रिटर्न है, क्यों भाई क्यों नहीं आप अप्रिशिएट करते हो? अगर आसाम की ब्यूटी, कोई आसाम घूम के आया है, कोई केरला घूम के आया है, आप उधर क्यों नहीं एनकरेज करते उनको? कोई क्या कहते बीकानेर साइड गया, जैसलमेर गया, वहां पर जो डेजर्ट है उसे घूम के आया, आप उसको क्यों नहीं एनकरेज करते हैं? क्यों हम एनकरेज करते हैं बाहर घूम के आए हो? तो ये जो हमारे वर्ड्स है ना, हमारा जो स्टाइल है एनकरेज करने का, वो कहीं ना कहीं बच्चा हमसे कॉपी कर रहा है और उसे लगता है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चे को ये बताते हैं व्हाट इज वैल्यूड इन आर लाइफ, तो वो फिर वैसे ही ड्रीम देने लगता है और यहाँ कैरियर ढूंढने के बजाय वो फॉरेन में जाके कैरियर ढूंढता है। ठीक है, जॉब, बाहर की जॉब देखता है, अपनी छोटी जॉब को वैल्यू नहीं देता है। तो हमें बहुत ज्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए कुछ भी रिएक्ट करने से पहले कि हम बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं। सो इट्स एजुकेशनल प्रोसेस कि हम घर में हो या स्कूल में हो, बच्चे को एस्थेटिक सेंस के प्रति डेवलप करना है, उसको मतलब ड्राइंग सिखानी, डांसिंग सिखानी, सिंगिंग सिखानी, सब कुछ। मतलब आज के टाइम में सिर्फ एकेडमिक, कहते हैं ना EIQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज नॉट सफिशियंट फॉर एनी जॉब, EQ, SQ, सोशल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, दैट मेक्स अ डिफरेंस। IQ तो सिर्फ 20% रह गया है, बाकी तो 80% EQ, SQ रह गया है। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं वहां पर क्या कहते हैं आप बच्चे का EQ देखते हैं, बैलेंस्ड बिहेवियर देखते हैं, उसकी थॉट प्रोसेस देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखते हैं, उसकी सेंसिटिविटी देखते हैं। सो बहुत जरूरी है हमें कि अपनी एजुकेशन सिस्टम में घर और बाहर, क्योंकि इट्स नॉट कि सिर्फ स्कूल वालों की जिम्मेदारी है कि वही बच्चे को पढ़ाए, वही सब कुछ करे, इट्स पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्रेंड्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेशली फ्रेंड्स की, बिकॉज बच्चे फ्रेंड्स की बात ज्यादा सुनते हैं। फ्रेंड्स शुड बी वेरी सेंसिटिव कि नहीं मुझे अच्छा फ्रेंड बनना है, वी एज ए ग्रुप वी हैव टू वर्क फॉर बेटरमेंट, अपने इंडिया के लिए काम करना है, अपनी इंडियन कल्चर की तरफ हमें फोकस करना चाहिए। अपने पिज्जा में बहुत पिज्जा खाते हैं तो स्ट्रेस सिंबल मानते हैं कि पिज्जा खा रहे, वाह आज पार्टी में हमने पिज्जा खाया, तो ये हमारा क्या कहते हैं स्टेटस सिंबल बन गया है। सब्जी रोटी खाई, टिफिन ले जाना भी पसंद नहीं करते हैं बच्चे, आज की यंग जनरेशन ऐसी हो गई है कि वो टिफिन नहीं ले जाना चाहते स्कूल में, क्या मम क्या टिफिन में देखेंगे सब्जी रोटी आई है, तो वो जो आपकी रिएक्शन है आपकी जो, वो दैट इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम। सो बी सेंसिटिव, ऐसा नहीं करना है, बी ए गुड फ्रेंड। ठीक है, घर का खाने से अच्छा कोई खाना नहीं है, हमारी चीज, हमारी जो कल्चर है इंडियन कल्चर, ठीक है मेरा भी एक्सपीरियंस है। हाँ, कोई बच्चा बेचारा साउथ इंडियन नॉर्थ में रहता था, वो रोज वड़ा लेके आता था तो बोलते थे फिर ले आया आलू, वो उसके वड़े को आलू बोलते हैं। मतलब बच्चे जो है समझ नहीं आता कि शब्दों किस तरह से यूज करते हैं। तो वी नीड टू बी एज ए एजुकेटर टीचर, हमें बच्चों को गाइड करना है कि आने वाली जनरेशन को थोड़ा सा सेंसिटिव बनाए, रूड ना बनाए, कुछ भी लूज टंग यूज ना करें, शब्दों का सही इस्तेमाल करें, बिकॉज इट इज हैविंग इम्पैक्ट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन। सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी थॉट प्रोसेस में इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि हम जिस चीज को छोटा समझते हैं वही चीज कल बड़ी हो जाती है और बच्चे के एम पर असर डालती है, बच्चे की पर्सनैलिटी पर असर डालती है, बच्चे के ग्रुप सर्कल पर असर डालती है। वी शुड टीच द चाइल्ड दैट वी शुड बी ग्रेटफुल टू द गॉड कि हमारे दो हाथ हैं, पैर हैं, हम चल फिर सकते हैं। वी नीड टू सेंसिटाइज दैम टूवर्ड्स द डिसेबल्ड पर्सन ऑल्सो, जो जिनकी जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। वी नीड टू बी सेंसिटाइज दीज चिल्ड्रन कि ह्यूमन की तरफ, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कलर की तरफ ही जा रहे हैं, फेयर कलर की तरफ जा रहे हैं। सांवला कलर हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, हमारी इंडियन ब्यूटी का हिस्सा है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, ब्यूटी हर जगह बच्चों को दिखाना होता है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की तरफ हमें बच्चे को फोकस करना चाहिए, पेरेंट्स को, स्कूल स्कूल को, कि एक अच्छी फाउंडेशन
बहुत जरूरी है। सर ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट पढ़ाना पढ़ाओ, पर एस्थेटिक साइंस साथ के साथ सिखाना जरूरी है। कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसा करना है कि वो दैट बिकम ए पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन। सो आई थिंक मैंने काफी, मतलब थोड़े समय में जितना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई बोर ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा बिल्कुल सी बोला तो बहुत ज्यादा। एंड नेवर लूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग एनीथिंग ब्यूटीफुल, और ब्यूटी इज द गॉड्स हैंड राइटिंग, एंड वी शुड अप्रिशिएट कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें एस्थेटिक को बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगी, उनका जो सिलेबस है वो इसी तरह का बनाया गया है। सो आई एंड अप माई लेक्चर हेयर इफ एनी थिंग, बिकॉज सर भी कह रहे थे कि हाँ ब्यूटी एक ऐसी चीज है, इसको बहुत कुछ मैं लिख सकती थी, बोल सकती थी, पर जी मैम, थैंक यू सो मच। और जो आपने प्रेजेंटेशन हमें दी है और जो पर्सपेक्टिव दिया है, उससे दो बातें मुझे समझ में आई हैं और मैं उसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूँ। वो ये है कि एक तो होम साइंस में ये जिस पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाता है एथिक्स को, वो मुझे काफ़ी क्लियर हुआ। हालांकि हमने और चीज़ों के ऊपर कई बार बात की है होम साइंस में कुछ एक चीज़ों को, लेकिन एस्थेटिक्स के मामले में मुझे आज ये क्लैरिटी हुई कि हम लोग स्टूडेंट्स को सिलेबस में कहाँ कहाँ क्या क्या ऐड अप कर सकते हैं और किस पर्सपेक्टिव से जो है स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाना चाहिए। और दूसरा जो बात समझ में आई कि मॉडर्न एजुकेशन में आप लोगों के हिसाब से इस एस्थेटिक्स को किस तरह से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली यही एक चीज थी जो मैं खुद भी जानना चाहता था, समझना चाहता था कि एस्थेटिक थ्योरीज और एस्थेटिक वैल्यूज को, एस्थेटिक ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स वाले लोग किस तरह से देखते हैं, और क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि होम साइंस और संस्कृत के लोग आपस में मिलकर के कहीं इस सब्जेक्ट को और एक्सप्लोर करें और इन चीज़ों को म्यूचुअली अप्रिशिएट करते हुए इसको हम इंट्रोड्यूस करें और ज़्यादा बेहतर जो है वो फ्यूचर के बारे में बात कर सकें। आपसे सवाल जवाब और आपके साथ जो बातचीत है वो हम जारी रखेंगे दूसरे लेक्चर के बाद, क्योंकि ओपन हाउस डिस्कशन होगी और लोगों के जो भी कमेंट्स होंगे, प्रश्न होंगे, जो भी होगा वो हम उसके बाद लेंगे। तो मैं इसी के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आज के हमारे जो दूसरे वक्ता हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से डॉक्टर शिवानी शर्मा। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि क्योंकि फिलॉसफी बिल्कुल ही एक अलग सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, और लोग उसकी गंभीरता से कई बार तो लगता है कि वे शायद बचते होंगे क्योंकि जैसे, लेकिन ये आवश्यक इसलिए है इस सब्जेक्ट को जानना क्योंकि यदि आप, जैसे कि मैंने बात की थी एक नोवर के बारे में ज्ञाता के रूप में, कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स का जो फोकस है वो डूअर के ऊपर ज्यादा है या इंजॉयर के फॉर्म में है, कि या आप कर्ता होंगे या आप भोक्ता होंगे, लेकिन ज्ञाता कब होंगे और ज्ञाता कैसे बने, कैसे हम उसको समझें, केवल रुचियों के आधार पे नहीं, ज्ञान के आधार पे आप कैसे एस्थेटिक्स को समझें, तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर शिवानी शर्मा को कि वो अपना वक्तव्य लगभग अगले मैक्सिमम 30 मिनट के लिए, ताकि हम ओपन हाउस डिस्कशन भी कर सकें, तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। मैम ओवर टू यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आई विश टू बिगिन बाय थैंकिंग द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस नेशनल वेबिनार, एंड आई ऑल्सो विश टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज विद रिगार्ड टू द एलिमेंट्स एंड द कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न एस्थेटिक्स। आई डू कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू reflect back on what we have as students of philosophy in general and students of aesthetics in particular, what we have learned so far. And I'll be looking forward for the feedback and comments and observations from all co-participants. I also expressed my heartfelt
gratitude towards other colleges and my previous speaker, Dr. Neelam Kumari ji. Let me begin by because the stage has already been set. Ma'am ne kafi kuch pehle ek jaise kehte hain ki ek stage ko set kar diya hua hai, and the iron is now hot and gives me enough of space to leave many things and just ponder over certain significant aspects, which as a student of aesthetics I think is very significant, and I cannot skip those points when I deliberate on the fundamental concepts of aesthetics. So unmein se jo main jo baat apni shuru karna chahungi, ye maankar shuru kar rahi hu ki aesthetics ko do paramparaon mein hum dekhne ka prayas kar rahe hain. Ek aapka भारतीय दर्शन या भारतीय दार्शनिक परंपरा है, और एक हमारी जो परंपरा है वो है ग्रीक ट्रेडिशन. इसमें आप बहुत सारी ट्रेडिशंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस जापानीज, फॉर इंस्टेंस चाइनीज, इनको भी हम समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा काम हमें ग्रीक ट्रेडिशन में मिलता है जब हम एस्थेटिक्स की बात करते हैं, और वो भी प्लॉटिनस, प्लेटो, एरिस्टोटल, यहाँ से बातें जो हम जर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स को जब हम देखते हैं कि कहाँ हमें ये जर्म्स के रूप में कहाँ मिलता है एस्थेटिक्स, तो प्लेटो से शुरू होता है लगभग. और दोनों परंपराओं में एस्थेटिक्स को देखने का नज़रिया ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर उपलब्ध है वो वहाँ पर नहीं है, ग्रीक ट्रेडिशन में नहीं है. ग्रीक ट्रेडिशन में भी है, लेकिन क्योंकि वेस्टर्न ट्रेडिशन बहुत एनालिटिकल होती है नेचर में, तो वो कंसेप्चुअली एनालाइज करती है. फिलॉसफी का काम ही ये है कि इट इज़ द सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी. तो सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि विचारों के ऊपर विचार करना. हमारे पास कोई ऐसी लेबोरेटरी नहीं है जहाँ पर जाकर हम विचारों की वेरिफिकेशन कर सकें, तो हमारे पास केवल जो लेबोरेटरी है वो अपना खुला जीवन है, जिसमें हम सोचते हैं, जिसमें हम रिफ्लेक्शन करते हैं, कस्टमरी मोरालिटी को फॉलो नहीं करते, केवल हम उन कस्टम्स को जो हमें समझाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, उस पर हम रिफ्लेक्ट बैक भी करते हैं. हम उन पे उन विचारों पे विचार करते हैं कि ये कितने इन विचारों में कितनी सजगता की ज़रूरत है, इनको अपनाना किस तरह से चाहिए, क्या चीज़ हमें छोड़नी चाहिए, क्या चीज़ हमें समझने के लायक है, क्या चीज़ हमें अपनी विजडम में उतारने की आवश्यकता है. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को कहूँगी कि मनुष्य को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, चाहे फिर वो ग्रीक फिलॉसफी हो, चाहे वो इंडियन फिलॉसफी हो, कोई भी परिप्रेक्ष्य हो हमारे पास, उसमें सीधा सीधा हमारे पास मनुष्य की परिभाषा जो हमें मिलती है वो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वाली स्क्रीन को थोड़ा थोड़ी देर बंद कर दें ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो विचारों में. तो जब हमारे सामने उभर कर मनुष्य की संकल्पना हमारे सामने उभर कर आती है, तो हमारे को ये मिलता है कि मनुष्य को तीन भागों में हम समझते हैं, या उसके तीन आयाम हैं मनुष्य को समझने के लिए. वो पहला आयाम जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, जिसको वेस्टर्न फिलोसोफर्स और स्पेशली रसल जैसे थिंकर्स ने ये कहा, दैट आई एम नथिंग मोर देन एन इफेक्टिव बीइंग, अ कॉग्निटिव बीइंग एंड अ कॉग्निटिव बीइंग. सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि मैं मूलतः एक ऐसा मनुष्य हूँ जिसमें फीलिंग्स और इमोशंस जो है भरपूर मात्रा में. कहने का भाव ये है कि ये फीलिंग्स, ये इमोशंस एक इरेशनल सोल है, एक इरेशनल. प्लेटो बोलते हैं जब आर्ट को समझना है तो आर्ट के दो भाग हैं, एक है रैशनैलिटी से उत्पन्न होता है और एक इरेशनैलिटी है. तो हमारा जो इरेशनल सोल है वो फीलिंग्स को एड्रेस करता है, इसको वो एपेटाइट करके बोलता है कि भूख है एक तरह की हमारी. और जब हम इस चीज को और गहराई पे समझते हैं जाकर, तो हमें ये समझ आती है कि
भावनात्मक जगत जो है वो वेस्ट में जिस तरह से देखा गया है उसमें एक इरेशनैलिटी का एलिमेंट देखा गया है, और इस इरेशनैलिटी को प्लेटो ने बहुत कहीं ना कहीं उसके भय से अपनी किताब रिपब्लिक में ये समझाने की कोशिश की है कि आर्टिस्ट लोग जो हैं, ये जो कवि लोग हैं, जो कला से प्रभावित जो लोग हैं, इनमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कच्चापन, इच्छा शक्ति का कच्चापन जिसे हम बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें निहित रहता है। इसलिए इनको समाज, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, उससे दूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत भावुक होते हैं, और ये केवल भावुक होते नहीं है, ये अपनी भावुकता से अपने यंगस्टर, जो आपके यंगस्टर्स, जो दोज हु आर अपकमिंग, दोज हु आर बडिंग सिटीजन्स, जो अभी बहुत छोटे हैं, उनको भी प्रभावित कर देते हैं, और इससे उनकी रैशनैलिटी को भी हानि पहुंच सकती है। इसलिए जो कलाकार लोग हैं या जो कला में विशेष रुचि रखने वाले लोग हैं, क्योंकि वो भावुक लोग होते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा समाज से दूर रखना चाहिए। वो और वो बड़े खुलकर अपने रिपब्लिक किताब में बहुत खुलकर ये क्लेम करते हैं दैट दे शुड बी रादर टेकन आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम। उनको कहीं ना कहीं समाज से काट के रखने की जरूरत है, क्योंकि वो एक इरेशनल सोल को प्रमोट करते हैं, ये इस तरह का भाव उनमें आता है। और मुझे लगता है कि इसी बात को अगर हम भारतीय परंपरा में देखते हैं तो यही चीज हमारे सामने उभर कर आती है जब नाट्य को वेद कहा जाता है। वहां पर जब कहते हैं, ये माना जाता है कि ब्रह्मा के पास जब कुछ लोग गए कि हमें ये वेदों की भाषा समझ नहीं आती, हमें ये वैदिक आइडियाज जो हैं बड़े हैवी हैं, बहुत हम लोगों को इंटेलेक्चुअली ये थका देते हैं, तो ब्रह्मा जी कुछ आप ऐसा उपचार करें जिससे हमें साधारण, जैसे बालकों के लिए आप कुछ ऐसी रचना करें कि हमें आइडियाज जल्दी से जल्दी समझ आए और उनकी गंभीरता भी कम ना हो। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहीं ना कहीं नाट्य को वेद के रूप में प्रस्तुत किया उनके सामने, ताकि आइडियाज जो है, आइडिया देखिए, मनुष्य जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि तीन स्तर है मनुष्यता के, मनुष्य होने के, और उसमें से पहला भावुकता है और दूसरा कॉनेशन है। जैसे कि अभी ऑर्गेनाइजर्स में से डॉक्टर आशुतोष जी भी ये अपनी बात को कह रहे थे कि ज्ञाता होना जो है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम ज्ञाता कब बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो मैं केवल एक भावुक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे में कर्म निष्ठा भी है, मैं कर्म भी करना चाहता हूँ। मेरे को अगर केवल आइडियाज आते हैं भावुकता के, तो मैं केवल भावुक स्तर पर नहीं जीता हूँ, मैं उनको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ कहीं ना कहीं। मैं उसके लिए एक प्रोग्राम ले करता हूँ, ब्लू प्रिंट बनाता हूँ कि अगर मुझे ये आर्किटेक्चर, एक घर बनाना है, एक बिल्डिंग बनानी है, तो केवल मैं वो मानसिक स्तर पर नहीं उसकी सृजनात्मकता में उलझी रहूंगी, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करूंगी कि अच्छा इसकी सीढ़ियां यहाँ से इस तरह चढ़ाई जाए, इसके कमरे इस तरह ले किए जाए, और इसको फिर मैं एग्जीक्यूट करूंगी। और फिर केवल यही तक नहीं है कि मैं एक मकान, दो मकान, दस मकान, कुछ एक बिल्डिंग्स बना के मेरे को उसमें से ऊब भी आने लगेगी कि मैं ये अपने जीवन में कर क्या रही हूँ, और वो ऊब कहीं ना कहीं हमारे को ज्ञाता की तरफ अग्रसर करेगी। और इसीलिए मनुष्य को जब हम समझते हैं तो जो उसका तीसरा आयाम है, उसके कॉग्निशन एबिलिटीज, कॉग्निटिव एबिलिटीज, जहां से वो ज्ञाता की तरफ, जहां से वो सीकर बनने की कोशिश करता है, कि उसको केवल यही नहीं है कि वो केवल भावुक है, जैसे रसल कहता है दैट I am an effective being, I am a cognitive being and also a cognitive being. मैं, मेरे में इच्छाएं हैं, मुझ में इच्छा शक्ति भी है, और मुझ में इन इच्छा शक्ति से ऊपर उठने की संभावना भी है, ज्ञाता शक्ति भी, मैं ज्ञाता भी हूँ, मैं कर्ता भी हूँ और मैं भोक्ता भी हूँ। तो ये भाव मुझे लगता है पारस्परिक, हर बेस्ट ऑफ द आइडियाज हैव अकर्ड प्रोबेबली ऑन बेस्ट ऑफ द ट्रेडिशंस। ऐसा नहीं हम कह सकते कि यहाँ पर ये भाव
ज्यादा प्रबल रहा है नो डाउट, या हमारी भगवद गीता में ही हमें ये तीनों मार्ग मिल जाते हैं, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, लेकिन ये आइडियाज कहीं, और इसका समय हमारे पास भारतीय परंपरा में बहुत पहले उपलब्ध होता है, जबकि कहते हैं कि शोपेनहावर जो है वो रात को सोने से पहले उपनिषदों का पाठ करते थे, वो उपनिषदिक आइडियाज को समझने की कोशिश करते थे। तो हम ये मान रहे हैं कि भारतीय परंपरा में जो आइडियाज हमारे को उपलब्ध होते हैं वो बहुत पहले आ चुके हैं, लेकिन वेस्ट में भी कहीं कहीं कुछ सिमिलर थ्रेड्स हमारे को इसी तरह से मिलते भी हैं। तो ये तीनों भाव जो मैं इन तीनों का सिर्फ जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि एक समानता दिखाने के लिए कि ब्रह्मा जी के पास जब लोग जाते हैं कि हमारे लिए भी कुछ सिंपलर फॉर्म में, जैसे शुरू में ही कहा गया कि कुछ साधारण बातों के रूप में हमारे को कुछ ऐसे बड़े विचार उपलब्ध हों जो हमारे लिए समझने में आसानी हो जिन चीजों की, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नाट्य को वेद के रूप में प्रस्तुत किया। और इसी तरह की बातें हम लोगों को यहाँ पर भी मिलती है कि विजडम जो है, आप विजडम की बातें जो आप करते हैं वो बहुत जरूरी नहीं है कि आप रैशनल डिस्कोर्स में, फ्रेमवर्क में ही बात करें, उसको आप किसी भी ड्रामेटिक फॉर्म में, किसी भी थिएट्रिकल फॉर्म में आप उपस्थित कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात आती है कलाकारी की, तो कलाकारी जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हो। कुछ एक बेसिक आइडियाज है, मैं बहुत जल्दी जल्दी क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, तो ये पहला बिंदु हुआ कि मनुष्य होने का अर्थ क्या है, ये तीन हमारे को डिविजन्स मिलते हैं। दूसरा, इस भावुक जगत में हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि फिलॉसफी जो है वो तीन स्तरों पे काम करती है। एक कि ऐसे प्रश्न जो मेरे मेरे सेल्फ से जुड़े हैं कि मैं क्या हूं, दूसरे ऐसे प्रश्न है कि ज्ञान क्या होता है, और तीसरा ऐसा प्रश्न कि नैतिकता क्या है। तो एस्थेटिक्स जो है वो सीधा सीधा नैतिकता के संदर्भ में उपजता है। वो क्यों उपजता है, क्योंकि वहां सौंदर्य की बात होती है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो सुंदरता के आयाम है या जो सुंदरता के लक्षण भारतीय दृष्टिकोण में है वो नाइजीरिया या अफ्रीकन ब्यूटी के कॉन्सेप्ट में उपलब्ध नहीं होते, वो चाइनीज कल्चर में वो ब्यूटी के जो लक्षण हम समझते हैं वो वहां पर उपलब्ध नहीं होते। जो भारतीय दृष्टिकोण में ब्यूटी की कल्पना की जाती है वो आपको शायद इजिप्शियन कल्चर में नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्टिविटी अपना रोल प्ले करती है, कहीं ना कहीं हमारे अपने सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, और कांट ने इस पे बहुत काम किया है, और उन्होंने ये कहा है कि ब्यूटी को समझने के लिए जब हम शुरुआत करते हैं तो ब्यूटी का संदर्भ बहुत सब्जेक्टिव होते हुए भी यूनिवर्सल है। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये समझाने की कोशिश की है कि ये सब्जेक्टिव होने के बावजूद भी इतना यूनिवर्सल है क्योंकि वहां पर सहृदयता का जो भाव है उसके माध्यम से आप मुझे कन्विंस करेंगे अगर चाइनीज स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी के, तो मुझे समझ आएगी। क्यों? क्योंकि मैं एक सहृदय व्यक्ति हूं, मैं एक एम्पैथेटिक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं कोई निष्ठुर और निर्दयी व्यक्ति नहीं हूं कि जो मुझे समझ ना आए। तो इसलिए जो क्रिएटिविटी और ब्यूटी का संदर्भ है वो इतना कटा हुआ संदर्भ नहीं है कि हम एक दूसरे के कल्चर में घुसकर एक दूसरे की बात को समझ ना पाए। आज अगर मुझे ट्रेन किया जाए कि मैं बाख की म्यूजिकल सिम्फनीज को समझने की कोशिश करूं तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल अछूती रहूंगी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या मैं सीख नहीं सकती। मैं बिल्कुल बकायदा मेरे को ट्रेनिंग दी जा सकती है कि भाई ये इस तरह से अगर ये स्वर लगाए जाएं, और हम ये देखते हैं कि हमारी परंपरा में बहुत से ऐसे व्यक्ति, बहुत से ऐसे लोग आकर भारतीय नृत्य सीखते हैं, कलाएं सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, और वो इसीलिए सीखते हैं क्योंकि उनमें सहृदयता का भाव कहीं ना कहीं मौजूद होता है। तो इसलिए ये मानना पहली बात कि हम कल्चर्स में सिमिलैरिटीज एस्थेटिक्स के संदर्भ में कि कल्चरल सिमिलैरिटीज को हम नहीं ढूंढ सकते, ये मुझे लगता है कि हमें इस तरह नहीं मानना चाहिए। कुछ ना कुछ समानताएं हमारे को
उपलब्ध होती हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पे हमें उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी ब्यूटी जो है, हेगल भी, कांट भी, ये सभी मानेंगे, एक दार्शनिक दृष्टि से मैं बात कर सकती हूँ इस पे, कि ब्यूटी जो है एक मैनमेड फिनोमिना है। ब्यूटी को जब हम मैनमेड फिनोमिना बोलते हैं तो उसका अभिप्राय केवल इतना है कि मनुष्य की कृतियां, इसका मतलब कृतियां भी कई तरह की है, एक प्रकृति में उपलब्ध है और एक मनुष्य जगत में उपलब्ध है। सूरज उगता है, मैं नहीं जाती सूरज को बताने कि भैया हो गया टाइम अब आप उगे, हो गया टाइम अब आप ढल जाएं। मैं नहीं जाती नदी को समझाने कि तुम ऊपर पहाड़ों से नीचे की तरफ चलो, बहो और जाके समंदर में मिल जाओ, ये भी नहीं करती मैं। तो उसमें उस प्रकृति को कौन नियत कर रहा है, उसमें कौन नियंता कौन है प्रकृति का, उसको कौन समझा रहा है, प्रकृति को कौन चला रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय रहा है ईस्ट और वेस्ट में दोनों का। ईस्ट में इसको हमने रित कहकर संबोधित कर दिया कि रित है, एक नियम है जो बकायदा प्रकृति में विद्यमान है और रित जो है वो उसको चला रहा है, और उसी के पैरेलल कॉन्सेप्ट्स हमने निकाल लिए अपने लिए, सत्य और धर्म। हम मोरालिटी में भी आ गए और वाचिक स्तर पे भी हम आ गए कि हमारी जो भाषा है उसमें भी रित जो है हम उसको फॉलो करते हैं सत्य के मार्ग से, और रित को ही हम फॉलो करते हैं अपने आचरण धर्म के मार्ग से। लेकिन इसी तरह की कल्पना कांट और हेगल में भी उपलब्ध है। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये सबलाइन का विषय है, ब्यूटी एक बहुत छोटी चीज है जिसको मनुष्य बनाता है। मैं केवल ब्यूटीफुल उसको कह सकती हूँ जो मनुष्य के द्वारा कृत्य है, जो मनुष्य बनाता है, मैं उस चीज के बारे में तो मैं उसको कह सकती हूँ कि ये ब्यूटीफुल है या ये अगली है या सुंदर है या असुंदर है, लेकिन जो प्रकृति में उपलब्ध है उसके बारे में मैं कोई कॉमेंट करने लायक नहीं हूँ, क्योंकि वो किसी मनुष्य की रचना नहीं है। तो फिर किसकी रचना है? वो कहते हैं ये हमें नहीं पता, गॉड है या नहीं है हम इसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन प्रकृति अपने आप में एक बहुत फिनोमिनल रियलिटी है, दिखाई देती है, इसलिए हम उसको मना नहीं कर सकते कि ये प्रकृति में उपलब्ध है। नदी के सामने जब हम खड़े होते हैं, समंदर के सामने जब हम खड़े होते हैं, या मान लीजिए अंधेरी रात में हम तारों भरे आकाश के नीचे जब खड़े होते हैं, या मान लीजिए कि आप जब एक ऊंचे विशाल पर्वत के नीचे खड़े होते हैं, तो आपको वहां ब्यूटीफुल नहीं सूझता, आपको वहां एक शब्द आता है अंग्रेजी का, अब मुझे इसका पता नहीं क्या कहेंगे, मैग्नानिमिटी, उसकी विशालता, उसकी विशालता आपको घबराहट देती है कि बाप रे, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे, और इसको अंग्रेजी में शब्द यूज करते हैं awe, awe, awe and wonder, आपको अपना अपनी तुच्छता महसूस होती है वहां पे, कि मनुष्य कितना तुच्छ है कि पहाड़ को कॉपी करने के लिए उसको बेचारे को कैनवस लेना पड़ता है, उसको अपने आप को सीमित करना पड़ता है, उसको अपने कलर्स की कल्पना, मतलब वो देखकर, प्रकृति को देखकर कुछ बनाएगा और अपनी सीमा में रहकर बनाएगा, लेकिन प्रकृति में जो उपलब्ध है वो कितना असीम है, इसलिए वो सुंदरता का भूखा नहीं है। प्रकृति में जो उपलब्ध है उसको आपके जजमेंट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कांट यही समझाते हैं कि आपकी जजमेंट जो है प्रकृति को उसकी बिल्कुल अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति विशाल है, महाकाय है, और उसको जज करने के लिए हमारे पास कोई लिंग्विस्टिक उपलब्ध नहीं है, कोई लैंग्वेज उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए वहां पर ब्यूटी के सामने शब्द वो ला कर देता है उदात्त, कि वहां पर प्रकृति को जब आप समझने का प्रयास करते हैं तो वहां पर आपके मुंह से केवल एक शब्द निकलता है, कितना उदात्त है, कितना महान है, ये पहाड़ कितना विशाल काय है, ये समंदर जिसकी सीमा ही नहीं है। लेकिन आप जब उसको पेंट करेंगे समंदर को, तो एक छोटे से कैनवस पे करेंगे, बहुत होगा तो बहुत बड़े कैनवस पे कर देंगे, लेकिन फिर भी उसकी सीमा है। लेकिन जब आप ओशन के सामने खड़े होंगे, जिसको वो बोलते हैं ओशनिक फीलिंग, उसके लिए फ्रायड यूज करता है शब्द ओशनिक फीलिंग,
कि आपको अपनी तुच्छता महसूस होती है कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं, ये जो आप उसके क्यों, क्योंकि उसका रैशनैलिटी फेल हो जाती है, आपको रैशनैलिटी समझ ही नहीं आती। आप कितना ही अर्थक्वेक्स की जो साइंस है वो समझ लें, कितना ही कॉन्टिनेंट के जो ड्रिफ्टिंग है उसको आप समझ लें साइंटिफिकली, कितना ही आप जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है उसको आप समझ लें, कितना ही ब्लैक होल्स की आप साइंस को समझ लें, लेकिन वो आपको क्या ये एम्पावर करती है कि आप उसको रोक सकें? सुनामी का पता चल गया आने से पहले कि भाई आने वाली है, लेकिन क्या हम उसे रोक पाए? क्यों? क्योंकि मनुष्य की अपनी एक सीमा है, मनुष्य के विचारों की अपनी एक सीमा है, मनुष्य की रैशनैलिटी की अपनी एक सीमा है, जिसके परे जाकर वो कुछ कर नहीं सकता। सिर्फ समझने से अपने आप को वो एम्पावर्ड समझे तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा विचार करने लायक हमारी ओर से एक विषय बनता है कि हम कभी भी प्रकृति के मास्टर्स नहीं बन सकेंगे, और इसको भारतीय परंपरा ने बहुत बखूबी यज्ञ परंपरा से जोड़कर भगवद गीता में भी उपलब्ध है, और हमारे जितने भी वैदिक जितना भी लिटरेचर मिलता है, यज्ञ वहां पर एक बकायदा इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पर यज्ञ में भी यही भावना है कि पारस्परिक हमारा संबंध जो प्रकृति के साथ है, कि अगर मैं यज्ञ भावना से कुछ कंट्रीब्यूट करूंगी प्रकृति को तो वो भी मुझे कंट्रीब्यूट करेगी, वो भी मुझे एनरिच करेगी, मेरा मेरे में कुछ कंट्रीब्यूशन देगी। तो ये भाव जो है ब्यूटी को, जब हम एस्थेटिक्स का एक बहुत फंडामेंटल आयाम मानकर चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूटी को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो हमारे को ये उपलब्ध होता है कि जो वैचारिक परंपरा में जो हम लोगों को देखने को समझने को मिलता है, तो कांट ये कहते हैं कि ब्यूटी बहुत सब्जेक्टिव विषय है, लेकिन उसमें एक यूनिवर्सल एलिमेंट बकायदा रहता है। और वो यूनिवर्सैलिटी का एलिमेंट हम कैसे समझ सकते हैं? डिसइंटरेस्टेड होकर, अगर मेरा उसमें कहीं कोई रुचि, वो कहता है अगर ब्यूटी ने, अगर किसी विषय वस्तु ने आपको आकृष्ट कर लिया तो आप इस लायक नहीं है कि उसके बारे में आप जजमेंट दे सके। क्यों? क्योंकि अब आप डिसइंटरेस्टेड नहीं रहे, आप इंटरेस्टेड हो गए, इसलिए आपकी जो जजमेंट होगी वो पार्शियल हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप ध्यान दें कि हम ब्यूटी पैजेंट्स कंडक्ट करते हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस भावना से कि हर ब्यूटी पैजेंट का अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है। कोई आइटम आपको, ब्यूटी प्रोडक्ट अगर फ्लोट करना है किसी मार्केट में, किसी देश की मार्केट में, तो बहुत बार सुनने में आता है कि आप वहां की जो लड़कियां जो ब्यूटी पैजेंट्स में जाती है, वहां से किसी एक लड़की को, उस देश की लड़की को जहां आपने मार्केट करना है, लॉन्च करना है प्रोडक्ट, वहां की आप मिस वर्ल्ड बना देते हैं, मिस यूनिवर्स बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। वो उस चीज से मैं सहमत हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो पैरामीटर्स हम ब्यूटी पैजेंट में अप्लाई करते हैं वो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल नहीं होते। तो ब्यूटी के माध्यम से कांट हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहली चीज, मनुष्य की रचनाओं पर ही ब्यूटीफुल या अगली या नॉन अगली के जजमेंट्स दिए जा सकते हैं। प्रकृति में जो है उपलब्ध उसको आप ब्यूटीफुल कहकर संबोधित नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत हमारी बुद्धि से बहुत परे का विषय है। तो ब्यूटीफुल तो केवल एक शब्द है, हमारे पास एक्चुअली शब्द है नहीं प्रकृति के लिए। और दूसरा, जैसे ही ब्यूटीफुल को हमने, या ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम ब्यूटीफुल जज करते हैं, हमारा ध्यान हमें ये रखना है कि हम उसमें कहीं इंटरेस्टेड होकर जजमेंट ना दे रहे हों। और तीसरा, उसमें एक डिस्टेंस जरूर होना चाहिए। जब भी हम किसी विषय के बारे में उसकी ब्यूटी को लेकर या उसके जो भी हम पैरामीटर्स सेट करते हैं, उसमें हमारा डिस्टेंस, उससे एक उचित दूरी मेंटेन करना। अब देखिए, यही चीजें हमारे में, अगर हम अपनी परंपरा में देखें तो हमारे को स्थित प्रज्ञता में उपलब्ध होती है कि वो व्यक्ति जिसमें डिसइंटरेस्टेडनेस है, जो एक डिस्टेंस पे खड़े होके समत्व योग को फॉलो करता है, ना सुख में सुखी है ना दुख में दुखी है, तो कांट भी मुझे लगता है अछूता नहीं है इन कैटेगरी से, इन विचारों से।
वेस्ट भी कहीं अछूता नहीं है। हाँ, शैली अलग है, भाषा अलग है, मुहावरा अलग है, कहने का तरीका अलग है, लेकिन भाव लगभग वही है, भाव वही हमें उपलब्ध होते हैं। और एक जो बहुत हमें संदर्भ मिलता है ग्रीक फिलॉसफी में, वो सबसे इंटरेस्टिंग, जहाँ से शुरुआत होती है एस्थेटिक्स की, ग्रीक एस्थेटिक्स की, वो है क्रिएटिविटी और आर्ट। आर्ट को वहाँ पर इमिटेशन कहा गया। अब इमिटेशन का मतलब है कि, और प्लेटो तो यही कहते तक सुने गए हैं, आर्ट रिमूव्स फ्रॉम रियलिटी ट्वाइस। आर्ट जो है, कला जो है, हमें रियलिटी से दो कदम दूरी पर लेकर जाती है। अब वो कैसे? वो कहता है कि सबसे पहले तो अगर हम रियलिटी मेटाफिजिक्स के बारे में समझें, और अब मेटाफिजिक्स की बात आ रही है तो आप यहां से वेदांत को उठा लीजिए, भारतीय परंपरा में से वेदांत को देखिए, वो भी यही कहता है, जीवो ब्रह्मैव नापरः, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। प्लेटो भी यही कह रहा है कि ये जगत जो है ये बिल्कुल बिल्कुल मिथ्या इस तरह से है क्योंकि ये अपने आप में रियल नहीं है। अब वो कहता है रियल क्या होता है, वो कहता है केवल आइडिया जो है वो ही रियल होता है। ऑब्जेक्ट का, विषय का, जो वस्तु का जो आइडिया है वो ही रियल है। क्यों? क्योंकि आइडिया को आप चेंज नहीं कर सकते, आइडिया को म्यूटेट नहीं कर सकते। लेकिन अभी अगर मैं चाहूं तो इस ग्लास को, इस बॉटल को, जो मेरे आसपास पड़ा है उसको मैं अभी चेंज कर सकती हूँ, म्यूटेट कर सकती हूँ, नष्ट कर सकती हूँ, खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस ग्लास के आइडिया को कभी चेंज नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए प्लेटो की नजर में भी ये बात उभर कर आती है कि हम आइडियाज के वर्ल्ड पर ही हम सत्यता की बात कर सकते हैं, रियलिटी की बात कर सकते हैं। और आर्ट इसलिए रियल नहीं है क्योंकि वो पहले तो आइडिया के, आइडिया को कॉपी किया तो मैंने ये ग्लास बनाया, पहले तो आइडिया आया, आइडिया ऑफ ग्लास, और अब आया ग्लास। अब आर्टिस्ट क्या करेगा, इस ग्लास को देख के पेंट करेगा। आर्टिस्ट जो है इसको देखकर कविता लिखेगा, इसके ऊपर आधारित कोई कविता लिखेगा। तो आइडिया पहले ही दूर था, इससे भी दूर हो गया आर्टिस्ट, तो दो कदम पर दूरी पर आ गया आर्टिस्ट। इसलिए प्लेटो की ये चिंता बड़ी वाजिब है कि आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो रियलिटी से दो कदम दूर कर देते हैं हमें। पहले ही हम दूर हैं एक कदम पे, और आर्टिस्ट इससे भी दूर ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो इसकी इसकी कॉपी करता है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि बहुत सी समानताएं हमारे को देखने को मिल सकती हैं। इमिटेशन के कंटेक्स्ट में, जैसे प्लेटो का मैंने ये बताया कि आर्ट इज नथिंग बट इमिटेशन, लेकिन एक और कहावत हमें उपलब्ध होती है कि आर्ट रिफ्लेक्ट्स रियलिटी। सोशल रियलिटी को जब हम ड्रामा देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने सोशल रियलिटी के रूप में ही मैसेजेस हमें दिए जाते हैं। तभी हम जाते हुए भरत वाक्य सुनते हैं, कथाओं में, नाटकों में, लास्ट में जो हमारे को स्टेटमेंट दी जाती है वो बड़ी एथिकल स्टेटमेंट दी जाती है कि राम की तरह आचरण करना, रावण की तरह मत करना। अब ये एक सोशल मैसेज जो हम देते हैं वो उसका आधार कहीं रियलिटी से जुड़ा हुआ होता भी है, कई बार नहीं भी हो सकता, बट मोस्टली होता है कि हम जो समाज में चल रहा है उसको हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो इमिटेशन एक संदर्भ, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कथार्सिस का, कि आर्ट कई बार रेचन का काम करती है आपके भीतर। लियो टॉल्स्टॉय कहता है कि आर्ट जो है इन्फेक्शन करती है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इम्पल्स है, जिस भावना, जो भावना आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी वो उतना स्ट्रॉन्गली दूसरे को प्रभावित करेगी। और इसके लिए वो शब्द यूज करता है दैट आर्ट इज इन्फेक्शियस। जो अंग्रेजी लिटरेचर के लोग हैं उनको ये जरूर पता होगा कि वो इन्फेक्शन टर्म का जो प्रयोग करता है लियो टॉल्स्टॉय, वो किस संदर्भ में करते हैं कि हम केवल शब्द बोलते नहीं है, हमारा शब्द दूसरे को प्रभावित भी करता है। और यही वजह है कि शब्द के माध्यम से कहीं ना कहीं पोएट्री का काम, सारा पोएट्री का बिजनेस आप अगर समझें तो वो केवल शब्द के आधार पर ही चल रहा है। शब्द आपने कहा और दूसरा प्रभावित हो गया,
छोटा सा बच्चा है, जैसे ही माँ ने उसको थोड़ा सा डांट के ऊंची आवाज में कहा, वो ऊंचा ऊंची आवाज से क्या अर्थ लेना है वो समझ गया। पोएट्री में आप, मैं नहीं आया था तुम्हारे द्वार, ये पथ ही मुड़ गया था। अब ये अपने आप में एक पोएटिक स्टेटमेंट है, लेकिन आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर भाव क्या है। और ये शब्दों के माध्यम से कथार्सिस, जिसे हम बोलते हैं रेचन करना, शब्दों का भावों का शब्दों के माध्यम से रेचन। और एक जो लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट कह के अपनी बात बंद करूंगी कि क्रिएटिविटी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, जिसके लिए मुझे लगता है कम से कम एक इंडिपेंडेंट नेशनल वेबिनार होना चाहिए आपके कॉलेज की तरफ से, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। क्रिएटिविटी प्री गिवन होती है या इसको सीखा जा सकता है, ये अपने आप में एक बहुत दार्शनिक समस्या है, बहुत बड़ी दार्शनिक समस्या है। तो भारतीय परंपरा में इसके लिए हम क्रिएटिविटी के लिए प्रतिभा शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये प्रतिभा जो है ये प्री गिवन होता है या हम इसको सीख भी सकते हैं। तो अभ्यासिकी प्रतिभा और नैसर्गिक प्रतिभा, इन शब्दों का प्रयोग हमें भारतीय परंपरा में भी मिलता है, लेकिन जब हम इसको वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे को बहुत तरह की क्रिएटिविटी के आयाम मिलते हैं कि साइंटिफिक क्रिएटिविटी क्या है, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी क्या होती है, स्किल से ये कैसे भिन्न है। गाड़ी को चलाना क्रिएटिविटी होती है या गाड़ी को चलाना स्किल होता है। तो ये बहुत से मुझे लगता है बहुत से बिंदु हैं, लेकिन मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा एलैबोरेट ना करते हुए मैं आयोजकों का एक बार फिर से धन्यवाद करूंगी और आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने बड़े इत्मीनान से मुझे सुना और मुझे बोलने का अवसर दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर शिवानी जी, हमने पेशेंस के साथ सुना ही नहीं है बल्कि रुचि के साथ सुना है, और आपने बहुत सारे इसके जो डायमेंशंस हैं और डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स थे जो हमें नहीं पता थे वो आपने हमें बताए हैं, और वाकई ये बहुत इंटरेस्टिंग रुचिकर बात रही है कि सौंदर्य को, एस्थेटिक्स को, जिसे हम बस मान लेते हैं, टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसको समझने में कितना जोर लगता है, ये आज आप दोनों वक्ताओं की बात सुनकर के समझ में आ रहा है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें एक और चर्चा अवश्य रखनी होगी, और इससे पहले कि मैं इस धन्यवाद करूं या कुछ और औपचारिकताओं में जाऊं, अब हम प्रश्नों को आमंत्रित करेंगे, लेकिन एक दो पंक्तियों की कथा के साथ आप दोनों वक्ताओं का धन्यवाद और श्रोताओं का धन्यवाद करते हुए मैं प्रश्न आमंत्रित करूंगा। टिप्पणियां, कमेंट्स, जो भी आप लोग चाहें, यू कैन शेयर विद अस। कहानी दो पंक्तियों की तो इतनी ही है कि एक माली अपने बगीचे में पेड़ की कटिंग कर रहा था, उसको छांट रहा था, चटाई कर रहा था, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति जो है, वो दीवार के दूसरी तरफ से झांकते हुए देख रहा था कि माली कर क्या रहा है। माली ने जब अपना काम खत्म कर लिया तो वो ज्ञानी व्यक्ति दीवार फांद करके कूद करके उधर आया और उस पेड़ के नीचे पल भर के लिए देखता रहा कि जहां उसने पूरी सफाई की हुई थी, कटाई छटाई की हुई थी, उस पेड़ को उसने अच्छे से हिलाया उस ज्ञानी व्यक्ति ने, और जितने पत्ते पुत्ते सूखे थे वो और नीचे गिर गए, और उसके बाद वो उस गिरे हुए पत्तों के साथ पेड़ को और उस स्थान को देखता रहा, और फिर उसने बड़ी सोच विचार की मुद्रा में ये कहा कि अब ठीक है, अब ये सुंदर लग रहा है। तो बगीचे में भी उसने अपनी एक क्रिएटिविटी उस पेड़ को हिला करके, पत्तों को गिरा करके जो दिखा दी, क्योंकि एक तो फॉर्मल क्रिएटिविटी थी कि जहां पर माली जो है कटाई छटाई कर रहा है, उसको छांट रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब बिल्कुल ही क्लीन हो गया है और उसमें कुछ पत्ते पेड़ के गिर गए और उसमें एक अपनी तरह का एक फ्लेवर आ गया, तो उसको उसने अप्रिशिएट किया। तो ये एक जेन स्टोरी है, दो पंक्तियों की जेन स्टोरी, सारी बड़ी छोटी छोटी होती हैं, कभी इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अजय भारद्वाज जी, वो अपना प्रश्न या अपनी टिप्पणी, कमेंट जो भी है, उसके बाद और सभी लोग धीरे धीरे करके। जी सर, डॉक्टर अजय। थैंक यू आशु जी, थैंक यू।
फॉर लेटिंग मी पार्टिसिपेट. मेरा डॉक्टर शिवानी का बहुत पर्सपेक्टिव और इंफॉर्मेटिव जो एनालिसिस था, इट इज वेरी एप्रिशिएबल. एक छोटा सा सवाल था जो मेरे मन में जागा जब डॉक्टर शिवानी ने कहा कि सौंदर्य जो है वो मैन मेड होता है, तो स्वतः ही मेरे मन में दो सेंटेंसेस आए जो एक तो है जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, और दूसरा जो सेंटेंस स्पॉन्टेनियसली मेरे मन में आया वो जॉन कीट्स की लाइंस है, ट्रूथ ब्यूटी, ब्यूटी ट्रूथ, दैट्स ऑल यू नो ऑन अर्थ, दैट्स ऑल यू नीड टू नो. तो मुझे लगता है ये दो पंक्तियां जो सत्य ब्यूटी के साथ रिलेट करके एस्थेटिक्स को कहीं ना कहीं प्लेस करती हैं, तो इसमें मैं चाहूंगा डॉक्टर शिवानी थोड़ा सा एनलाइटन करें हम सबको कि व्हाट इज दिस सत्यम शिवम सुंदरम एस्थेटिक्स में इसको कैसे रखते हैं, और सिमिलर लाइंस में शायद जॉन कीट्स ने कहा है ट्रूथ ब्यूटी, ब्यूटी ट्रूथ एंड ऑल दैट. थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपका बड़ा स्वाभाविक प्रश्न बनता है कि कीट्स की ये जो स्टेटमेंट है और सत्यम शिवम सुंदरम वाला जो कॉन्सेप्ट है, पर मुझे लगता है कि ये सत्यम शिवम सुंदरम भी ग्रीक ट्रेडिशन का ही एक वर्जन बहुत लेटर ऑन किया गया है, जिसमें हम ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस की बात करते हैं, और प्लेटो इसको आइडियल मानता है ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि मनुष्य होने का अर्थ है ये तीन पर्पसेस को अपने जीवन में उतारना, ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी. तो इसी का कहीं ना कहीं ये ट्रांसलेशन कर लिया गया है सत्यम शिवम और सुंदरम का, जबकि मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा में इस तरह से शायद उपलब्ध ना हो. मेरी अपनी छोटी समझ माने, या अगर कहीं से कोई सोर्सेज मिलेंगे तो मैं बड़ा सहर्ष इसको स्वीकार भी करूंगी, लेकिन ये बहुत छोटा आयाम है. ट्रूथ और ब्यूटी को देखिए, जहां तक अगर कीट्स की इस बात को हम रिलेट करना चाहें तो इस बात से हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो ऋषि लोग हैं उनको कवि भी कहा गया है. तो वहां पर मैं इस चीज से सहमत हूँ आपकी कि जो हमारे जिस तरह से ऋषियों ने जिन्होंने मंत्रों को देखा तो उनके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं कि वो कवि, वो ऋषि भी थे, कवि भी थे. क्यों? क्योंकि उनकी इमेजरी नॉलेज, उनकी जो नॉलेज थी वो केवल रैशनल नॉलेज नहीं है, एक इमेजरी नॉलेज है. इमेजेस में उनको अवतरण हुआ, जो ज्ञान हुआ वो एक ऐसे रेवलेशन के फॉर्म में हुआ जिसका उन्होंने बिल्कुल अनुभूत करके उन्होंने उन बातों को लिखा, उन आइडियाज को लिखा. तो ट्रूथ और ब्यूटी को उस संदर्भ में मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हम समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं पे जोड़ सकते हैं इस विषय को, क्योंकि ऋषि और कवि की तुलना हमें अक्सर सुनने में आती है कि वो ऋषि केवल ऋषि नहीं थे. उन्होंने क्यों? क्योंकि वो केवल रैशनैलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, रैशनैलिटी को बहुत आगे से वो क्रॉस करके कहीं ना कहीं ट्रांसेंड करते हैं और उसको अनुभूति का विषय बना के उन बातों को अपनी वेदों में रखते हैं. तो वो बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस चीज से कि ट्रूथ और ब्यूटी का शिवम शब्द का क्या महत्व है? गुडनेस से है, शुभता, शुभता, शुभ होना, मंगल, मंगलकारी, मंगलमय होना, वो गुडनेस का अर्थ यहाँ पर. वेलफेयर मेरा ख्याल ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा कि मोरालिटी. हाँ, मॉरल गुडनेस, मॉरल गुडनेस, गुड विल, मॉरल गुडनेस. शिव जी नाराज हो जाएंगे. नहीं नहीं, ये शिवम का अर्थ मेरे ख्याल से तो शुभता से है. हाँ, मुझे लगता नहीं है कि मैं ये कहीं पे संस्कृत परंपरा का ये वाक्य इस तरह से तो मुझे नहीं कभी पढ़ने को मिला है. लेटर पीरियड में इसको हमने बना लिया और ये पॉपुलराइज हो गया मूवीज की वजह से कि शिवम सत्यम शिवम सुंदरम. एनीवे, लेकिन ये प्रश्न बड़ा रोचक है और गहरी चिंता की अपेक्षा भी करता है कि इसके ऊपर गंभीरता से विचार के ऊपर विचार किया जाए. बहुत सुंदर ये एक एक्सप्रेशन था.
और किसी का डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, हाँ उसके बाद मैडम रमेश त्रिपाठी जी। रविंद्र जी अपने को अनम्यूट कीजिए। हो गया सर? जी जी बिल्कुल सर। सर पहले तो मैं दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ, और नीलम जी ने तो अपने नाम के अनुरूप कहते रत्नों में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है रत्न, तो उस तरह से बात की है। और शिवानी के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा कि छोटी बहन को प्रशंसा करना भी ना उचित नहीं होता। जी हालांकि उन्होंने एक मेरे को उनका आभार इसलिए है कि उन्होंने तो मेरे को एक शोध का विषय दे दिया शिवानी जी ने कि एस्थेटिक्स इन श्रीमद् भगवद गीता, इसके ऊपर मुझे लगता है कि 5-7 महीने काम करना पड़ेगा कम से कम। अब मैं सर आ रहा हूँ, मेरा सर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, एक शौक है मेरा फिल्मी गाने सुनने का और उनका थोड़ा बहुत क्रिटिकल करने का, तो एडिशन कर रहा हूँ ताकि एक आम आदमी समझ सकता है, क्योंकि मैं तो इस बारे में जो विषय आपने लिया उसके बारे में कुछ नहीं जानता ज्यादा, इसलिए टिप्पणी तो नहीं करूंगा। आपने फोटो दिखाई थी और नीलम जी ने उसके ऊपर एक बहुत सुंदर टिप्पणी की कि जो हमारे देवता हैं हंसते हुए मुस्कुराहट से बात की, स्माइल से, तो जब वो कह रही थी अपनी बात तो मेरे दिमाग में एकदम जो गाना आया ध्यान में, जो पूरा भगवान की ओर उस रिलीजियस को देता है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, तो जीना इसी का नाम है। तो जो भगवान की हम करते हैं किस लिए करते हैं, वो जीने के लिए। एक बात उन्होंने एक और बहुत अच्छी कही बात जो मेरे को बड़ी लगी कि एस्थेटिक हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जी यानी कि कमियां निकालते रहें। तो नीलम जी एक गाना है, मैं अक्सर अपनी बीवी को ज्यादा कहता हूँ और अपने सभी जो मेरे मित्र उनको भी कहूँ वो कहा करें, यदि खुशहाल रहना है तो सवेरे एक गाना जरूर गा दिया करें, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो हम रात कहेंगे, इससे बड़ी अप्रिसिएशन नहीं हो सकती, लेकिन ये जीवन को बचाए रखेगी। आपने एक बहुत अच्छी बात कही नीलम जी, जब आपने पत्थरों की बात की, आर्किटेक्चर ही नहीं है, तो मेरे माइंड में एकदम दो इनके भाव आए इसके ऊपर। आप वी शांताराम की इनके एस्थेटिक पॉइंट से पूरी फिल्म देखी जा सकती है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है, गीत गाया पत्थरों ने, और मानवीय संबंधों को देखना पत्थर के माध्यम से, तो ये गाना है, फिल्म भी का टाइटल सॉन्ग है, पत्थर के शरण तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई ये क्या समझा ये क्या जाना। और फिर उसके बाद आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी, इमोशनल लाइफ। वास्तव में यदि आप देखें हमारा जो ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा नव रसों पर आधारित है, और ये जितनी फिल्में हैं जो म्यूजिक है इसमें बहुत से आपको मिलेंगे कि जहां पर इन नव रसों को लेकर बात की गई है, और यदि सारे के सारे नौ रसों को एक ही पिक्चर में देखना हो तो नया दिन नई रात देख सकते हैं आप। ये थोड़ा सा शेयर कर रहा था मैं, जैसे आपने फ्रेंड्स की बात की तो मुझे एक गाना बहुत याद आया कि फ्रेंड्स की कितनी अहमियत है, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, गबन फिल्म का है ये मैडम। तो ये थोड़े से गाने से कुछ मुझे याद आ रहे थे, क्योंकि मेरे को एक पता नहीं सही माने या आप अनुचित माने कि जब मैं पढ़ाता था तो राजनीति शास्त्र के शुष्क विषय को बच्चों को समझाने के लिए फिल्मी गाने कहता रहता, तो वो शौक रहा है मेरे को। अब मैं आ रहा हूँ शिवानी जी की बात पर। शिवानी जी ने भी बहुत, जैसे उन्होंने कहा ना कि सौंदर्य के मापदंडों की बात की है, तो शिवानी जी सत्यम शिवम सुंदरम का एक गाना है, क्योंकि आपने प्रश्न में भी आया था, बहुत अच्छा है। सौंदर्य क्या है? चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की स्वर सजनी। देखिए पूरे के पूरा, देखिए सौंदर्य शास्त्र को उन्होंने इसे गाने में
पिरो दिया है। और इसी प्रकार से आपने बहुत बातें बताई कि प्रकृति कितनी विशाल है और वो है और जल क्रिया, तो मुझे एकदम याद आया गाना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, कितना विशाल है। जी जी, यदि आप प्रेम और मानवीय भावनाओं को प्रकृति से जोड़ें तो उसके ऊपर तो सैकड़ों गाने हैं। और एक गाना मैं उद्धृत करना चाह रहा हूं, इसमें नील गगन की छाव में दिन रैन ये मिलते हैं, मन पंछी बन उड़ जाता है, हम ठहरे ठहरे रहते हैं। ये किस प्रकार से उन्होंने दोनों को चीजों को जोड़ दिया है। और फिर एक बात आपने और कही जो मैं बस लास्ट में ले रहा हूं कि हम प्रकृति को, आपने कहा कि ब्यूटी को जज नहीं कर सकते प्रकृति की, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसमें मुझे एक गाना याद आया तुरंत, हरी भरी वसुंधरा पे ये किसका चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि यदि हम एथिक्स को देखना चाहते हैं तो एक हमारी फिल्मों का भी बहुत बड़ा योगदान आप इसमें ले सकते हैं। जी, बात यही होती है कि आप शब्दों को जो ना अभिव्यक्ति आर्ट के द्वारा भी करते हैं, जैसे आपने बाद में कहा था ना, भावों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो मुझे एकदम गाइड फिल्म का गाना याद आया, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंदर बांधे पायल, शब्द और उनको देखें आप कैसे वो नारी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। और लास्ट बस ले रहा हूं सर कि कैसे मानवीय संबंधों को यदि देखना हो तो मदर इंडिया फिल्म में एक गाना है सर, होली आए रे कन्हाई, उस में देखेंगे आप कि वो बड़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी उस पे ना जाकर, उस गाने में आप देखेंगे कि जो सुनील दत्त है वो जो साहूकार है उसकी बेटी के ऊपर रंग नहीं डालता और वो घड़ा जो रंग का फेंक देता है क्योंकि वो उससे वितृष्णा है, उससे उसको घृणा है। तो अभिनय नाट्य शास्त्र हमारे इस एस्थेटिक्स का इतना बड़ा अभिन्न अंग है कि जिससे हम अनेक चीजें सीख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दोनों वक्ताओं का पुनः पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे बहुत कुछ जानने का, समझने का और उसके ऊपर विचार करने का आपने अवसर दिया। और आशुतोष जी, आपका तो इसलिए आभारी हूँ, आप तो जो है ना मुझे युवा बनाए रखोगे। चलिए ठीक है सर, नहीं होने दोगे आप मेरी, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मुझे लगता है एस्थेटिक्स के लिए जो है ना, वी शांताराम ने जितने प्रयोग किए हैं, नवरंग उनकी भी पिक्चर है जिसमें उन्होंने जो है नौ के नौ रस और जितने राग हैं और जितने डांसेज हैं उनको उसमें किया है, लेकिन वो फिर हम कभी चर्चा करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर रमेश त्रिपाठी जी। मैम आप, मेरे पास आपका नाम रमेश त्रिपाठी ही आ रहा है, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। और उसके बाद विनय कुमार उपाध्याय जी और आनंद गुरहे जी। मैडम हाँ जी, प्रणाम है, नमस्कार है। मैं किसी काम में वक्त नहीं, आज श्राद्ध था, इसलिए मैं पहले वक्ता को सुन नहीं सकी और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ शिवानी जी को सुनने का। और बहुत अच्छा तुमने बड़े क्लियरिटी किया, बिकॉज मेरा टॉपिक भी यही रहा पीएचडी में, कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी इन एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। तो आपने कैंट हेगल सपोर्ट लिया, पूर्व वक्ता क्या बोल चुके हैं पहले वाले वो मैं सुन नहीं पाई, बहुत मुझे मिस किया वो। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि सौंदर्य व्यक्तिगत भी है, विषयगत है और व्यक्तिगत भी है। तो थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉयफुल कहते हैं, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर कहते हैं, विषयगत भी है, विषयगत भी है। तो जो बाद में आपके पाश्चात्य ने सममात्रा और वो बनाए कि ब्यूटी में ये होने चाहिए, सममात्रा हो वो हो, ये हमारे भी उन्होंने माना। तो एक सुंदरता एक वही यूनिवर्सल ब्यूटी है, सच्चिदानंद स्वरूप जो हमारा था,
ना हमारे स्टार्टिंग ऑपरेशन में तो सबसे आनंद स्वरूप है। और उसमें फिर ये लोग करते रहे, लौकिक सौंदर्य में भी आए, अलौकिक सौंदर्य में भी आए, और विषयगत है कि विषयगत है, और संस्कृत में तो बहुत बड़ा फिर काम किया आगे साहित्य के साहित्यिक सौंदर्य को देखते हुए कि जो सामुद्रिक शास्त्र है हमारे, तो पहले कविता लिखी गई कि पहले जो काव्य शास्त्र लिखे गए, क्योंकि जितने भी सौंदर्य के उपमान हम साहित्य में देखते हैं आंखों के लिए और अलग अलग अंगों के लिए, वो सारे सामुद्रिक शास्त्र की कसौटी पर सही उतरते हैं। किसी ने भी ऐसे उपमानों का प्रयोग नहीं किया साहित्य में जो सामुद्रिक शास्त्र के से हे माना जाएगा या कुछ व्यक्ति का व्यक्तित्व माना जाएगा, ऐसे कोई भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि पहले काव्य शास्त्र लिखे गए कि पहले काव्य की रचना हुई और काव्यों को देखते हुए फिर सामुद्रिक शास्त्र बनाया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा है कंपैरिजन। तो संस्कृत का जो हमारा पाश्चात्य जो प्राच्य हमारा सौंदर्य संकल्पना के चीजें हैं वो पाश्चात्य से दृष्टि से कई समृद्ध है, कई मानव से चाहे आप जैसे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे दिन दैनिक जीवन और उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस सौंदर्य का उसके ऊपर भी दृष्टिपात किया। आंतरिक सौंदर्य अलग है, फिर बाह्य सौंदर्य अलग है, कोई बाहर सुंदर नहीं है लेकिन उसमें यदि गुण है अच्छे तो वो पर्सनैलिटी हमें व्यक्ति को बहुत आकर्षित करता है। एक माँ के लिए उसका बच्चा जो है तो संबंध भी तुम्हारे सौंदर्य को करेगा। तो जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि बाहर की जो सम्मात्रा है वही उसको आकर्षित करेगी, वही सुंदर है। आकर्षण करने के लिए और भी कई सारे गुणों की आवश्यकता है, चाहे वो आंतरिक है, चाहे उसका गुण है, चाहे तुम्हारी एक सोच है। मेरे को कोई भिन्न भिन्न ही रुचि वाले लोग हैं, किसको कुछ भाएगा किसको कुछ भाएगा। तो इसीलिए बिहोल्डर के ऊपर भी क्या विषयगत भी कहा, विषयगत भी नहीं विषयगत के सौंदर्य को माना कि जो एक के लिए सुंदर है दूसरे के लिए सुंदर नहीं है अपेक्षित है। जैसे आपने शिवानी जी ने बताया कि जो मानदंड भारतीय दृष्टि में अच्छा है और वो क्या कहते हैं चाइना में नहीं माना जाएगा या नाइजीरिया में नहीं माना जाएगा, वहां पर सिर्फ आंख के नाम पे एक सिर्फ लाइन ही हो वही अच्छा माना जाएगा जा चाइना में। वहां पर छोटे छोटे पैरों को अच्छा मानते हैं तो वो बूट बचपन में छोटे छोटे बूट पहना देते हैं ताकि बड़े ना हम, है ना। और हमारे अपने देश में भी समय के अनुसार भी ये मानदंड बदलते हैं, देश भूगोल के हिसाब से भी और समय के हिसाब से भी। कि हमारी द्रौपदी जो उसको नीलोत्पल भा माना उसको नील कमल के समान सुंदर कुशकालत, लेकिन आज जो सौंदर्य का मानदंड हो गया वो सफेद लड़की सफेद रंग माना गया। तो एक ही देश में भी समय के अनुसार काल के अनुसार से भी ये मानदंड बदलते रहते हैं। तो ये भी लंबा प्रोसेस है। बहुत अच्छा लगा शिवानी का, बड़ा अच्छा उसका अध्ययन था और उसने पाश्चात्य और प्राच्य का कंपेयर किया, तो बहुत अच्छा लगा। सबसे साधुवाद, साधुवाद तो है जो आशुतोष जी जस्ट इतने अच्छे लोगों को वक्ताओं को बुलाते हैं यहाँ पर और जो भी सुनते हैं वाकई में हर लाभान्वित होता ही होता है किसी दृष्टि में। सबसे बड़े आप है आपकी बात को भी मैं चाहूंगा कि हम एक फुल फ्लेज एक पार्ट टू इसका सेमिनार का करें और उसमें आपसे हम सुनेंगे कि सौंदर्य की संकल्पना क्या है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन मैं सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि इन वेस्ट इविल इज अगली बट इन इंडियन ट्रेडिशन इविल इज हैंडसम। आप कंस को देख लें, रावण को देख लें, कोई असुर देख लें, वो बहुत हैंडसम मिलेंगे आपको, लेकिन वेस्ट में वो बड़े अगली मिलेंगे। जो भी उनके आपको स्ट्रक्चर मिलता है और जो उनकी डिस्क्रिप्शंस मिलती हैं वो बड़े भयानक हैं, मतलब देखा नहीं जा सकता। लेकिन अपने अपने पैराडाइम हैं। जल्दी से विनय कुमार उपाध्याय जी, सर आपका प्रश्न या टिप्पणी या जो भी है बहुत संक्षेप में। विनय कुमार उपाध्याय जी। हाँ सर नमस्कार, आवाज आ रही है? जी जी सर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। मैं यह विषय बहुत व्यापक है लेकिन मैं थोड़ा भारतीय काव्य शास्त्र के संदर्भ में इसकी चर्चा करना चाह रहा था कि भारतीय संदर्भ में काव्य और फिलोसफी को अलग माना गया। हमारे यहाँ कहा गया एक श्लोक है कि जो शास्त्र मतलब फिलोसफी,
शास्त्र की उत्पत्ति प्रज्ञा से होती है और कवि कर्म, काव्य को कवि कर्म माना गया, क्रिएटिव लिटरेचर। तो हमारे यहाँ सौंदर्य की व्याख्या सिर्फ मेरे दृष्टि से शास्त्र में आई है, फिलोसफी से उसका कोई संबंध शायद नहीं है, क्योंकि जब हम रस को देखते हैं, रस से लेकर हमारे यहाँ जो औचित्य संप्रदाय है तो उसमें चारुत्व प्रतीति को काव्य की आत्मा माना गया काव्य के संदर्भ में। और एक बहुत सुंदर श्लोक है प्रतीयमान अर्थ के संदर्भ में, मुक्ता फलेषु छायया तरलत्व युवांतरा प्रतिभाति यद अंगेशु तद लावण्यम अहो उच्यते। और एक सेकंड श्लोक है मुख्या महाकवि गिराम भृताम अलंकृति भृताम अपि प्रतीयमान छायाया भूषा लज्जेव योषिताम। और लास्ट में मैं ये बोलूंगा कि ब्यूटी के बारे में जो सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है यह बहुत ही विवादास्पद कंट्रोवर्सी मैटर है। लास्ट में अभिनव गुप्त ने जो मंगल श्लोक दिया उसमें उन्होंने सौंदर्य को ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव दोनों माना है, क्योंकि उन्होंने लिखा है सरस्वत्यास्तत्वम कवि सहृदाख्यम विजयते। और बाद में उन्होंने चारुत प्रतीति के विषय में सारे विवादों को खत्म कर दिया जब उन्होंने क्या कहा चारुत्व प्रतीति तरही काव्यसात्मा स्यात् इति तद अंगी कुर्मा नामनी खलु अयम विवादः। तो भारतीय परंपरा में मैं एक मैडम से जानना चाह रहा था कि शास्त्र और कवि कर्म मंज काव्य, और वहां कहा गया कि शास्त्र की उत्पत्ति प्रज्ञा से होती है और काव्य की उत्पत्ति प्रतिभा से, दोनों में क्या फर्क है, प्रज्ञा और प्रतिभा में क्या फर्क है? ठीक है, ये बहुत व्यापक प्रश्न है। मैं एक लाइन में कहूंगी कि मैंने अपने बात को बल्कि इसमें तीसरा शब्द भी ऐड अप कर लेना चाहिए, प्रज्ञा प्रमा और प्रतिभा रेस्पेक्ट ले लेने चाहिए। लेकिन एक पंक्ति में ही इसका उत्तर, क्योंकि अभी हमारे पास एक हाँ मैं यही कहूंगी कि हमारे यहाँ पर कवि कर्म जो है जिसको आप बार बार ला रहे हैं, तो ऋषि और कवि को भिन्न नहीं माना गया। हमारे यहाँ पर दोनों शब्दों का प्रयोग होता है कि जो ऋषियों मंत्र दृष्टा रह सिर्फ क्या नहीं कहा गया, उनमें कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने रैशनैलिटी को ट्रांसेंड किया, मैंने ये अपनी बात में बार बार चीज को कहा कि उन्होंने रैशनैलिटी को रैशनैलिटी तक नहीं रखा, उसको अनुभूति का विषय बनाते हुए कवि कर्म किया एक तरह से। इसीलिए ऋषि और कवि की कल्पना उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ऋषियों में बकायदा हम मतलब प्लेस करते हैं, उसमें हम उसको समझते हैं कि जो वैदिक ऋषि थे वो केवल ऋषि नहीं थे, वो रैशनैलिटी की डोमेन पे नहीं चल के बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपनी कवि कर्म भी साथ साथ कर रहे थे। तो ये तो मैंने अपनी बात में शुरू में कहा ही था। जी, इससे पहले कि मैं डॉक्टर आनंद घुरिये जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं तीन पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। एक है जो प्रदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये कामायनी के लज्जा सर्ग में बात आई है, ये इसको आप प्रयोग कर सकते हैं समझने के लिए। एक और डॉक्टर विनय कुमार जी, भवेत सौंदर्य मंगानाम सन्निवेशो यथोचितम, जहां पर सारे अंगों को यथोचित रूप से सन्निविष्ट कर दिया जाता है, जितने कंपोनेंट्स हैं, जितने उसके स्ट्रक्चर में आने वाली चीजें हैं, यदि आपने उनको सिस्टमेटिकली प्रॉपरली प्रॉपर प्रोपोर्शन अगर आपने उनको सिस्टमेटाइज कर लिया है तो मैं समझता हूँ कि उसको भी सौंदर्य कहा है। ये बात जो है उद्दीपन प्रकरण में उज्जवल नीलमणि में है। और एक लास्ट बात कहकर के मैं आनंद जी को बुला रहा हूँ, आनंद जी को, कि क्षणे क्षणे यम नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया, कि वो है कि हर क्षण सौंदर्य जो है वो हर क्षण नया होता है, वो कभी पुराना नहीं पड़ता, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और डॉक्टर आनंद जी, सर आर यू लिसनिंग मी? ये यस, हाँ नमस्कार नमस्कार सर, धन्यवाद।
अति सुंदर प्रेजेंटेशन, दोनों रुचिकाओं का धन्यवाद। और मेरा सवाल यह है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ये जो रचना है इसे आप वाचिक सौंदर्य की उपलब्धि समझेंगे? वुड यू कंसीडर दिस एज अ रोल ऑफ वर्बल एस्थेटिक्स? थिंग इज टू बी स्पोकन, द वे इट इज टू बी स्पोकन इज द एस्थेटिक्स, दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग, प्लीज क्लैरिफाई। इसको मैं एस्थेटिक्स से ना जोड़ते हुए एथिक्स से जोड़ना चाहूंगी कि ये एक बहुत विजडम का कंक्लूजन है, इट्स अ वेरी वाइज कंक्लूजन, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एस्थेटिक्स एज सच, बट आई वुड से इट इज मोर ऑफ अ प्रैग्मेटिक विजडम दैट हैज कम आउट, जिसे हम बोलते हैं कि एक नीति शास्त्र का एक वाक्य है कि आप इस तरह का आचरण मत रखें, चाहे वो कितना भी सत्य कठोर अगर है तो उसको कोशिश करें कि उसको मेलो डाउन किया जाए, उसको इस तरह से ना बात की जाए। तो ये एक प्रैग्मेटिक्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द प्रैग्मेटिक वर्ल्ड, जहां पर मैं इसको रखना चाहूंगी मेरी दृष्टि में। जी थैंक यू। अब किसी और का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है? सवाल तो नहीं है, मैं एक ऐड करना चाहती हूँ जो आपने अभी एक वाक्य बोला था कि जब चीजें प्रोपोर्शन में बैठ जाती हैं, है ना, जब चीजें औचित्य में अपने स्थापित हो जाती हैं तो वहां पर सौंदर्य है। मेरी ये गुजारिश है कि ये सौंदर्य सौंदर्य की परिभाषा जैसे हम व्याप्ति में स्थापित करते हैं ना कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, तो ये तो हम कर सकते हैं कि सौंदर्य जरूरी नहीं है कि वो चीज में सौंदर्य है। ये भी अपने आप में डिबेटेबल है कि हम बार बार ये शब्द क्यों ला रहे हैं कि वो सौंदर्य है, वो सौंदर्य नहीं भी हो सकता। मेरा सिर्फ ये कहने का भाव है कि ये जरूरी नहीं है कि जहां पे चीजों प्रोपोर्शनेट रेशो में आ जाए, हारमोनियस हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए, तो वहां पे सौंदर्य हो भी सकता है। वहां पर सौंदर्य जरूरी नहीं है कि सौंदर्य हो। तो सौंदर्य कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसको आप मतलब एस्थेटिक्स में केवल एक सौंदर्य ही चीज नहीं है जिसको हमें समझने के लिए हर वक्त उद्यत रहना है या प्रयास करना है। सौंदर्य बहुत छोटी सी चीज है। मेरा सबमिशन ये है कि जब चीजें प्रोपोर्शन में आके बैठती हैं किसी चीज में तो वहां पर एक कुछ नयापन है। वो नयापन जरूरी नहीं है कि सौंदर्य हो, वो नयेपन को ही हमें उसकी क्रिएटिविटी को समझने में सहायक होता है। तो ये एक वेस्ट का, मैं वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाह रही हूँ कि वहां पर कहीं ना कहीं सौंदर्य को बहुत लिमिटेड करके देखने का प्रयास किया जाता है कि ब्यूटी जो है उसे आगे भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे क्रिएटिविटी, वहां क्रिएटिविटी के फिनोमेना को समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज बिट डिबेटेबल लेकिन ठीक है। हाँ, अभी के लिए ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न है? नहीं तो मेरा एक जिज्ञासा है डॉक्टर नीलम जी से। मैम नीलम, आप सुन रहे हैं? मैम नीलम? सर, यस सर, यस सर। ठीक है मैम, मेरे दो सवाल हैं कि आप लोग जो होम साइंस में एस्थेटिक्स का जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं और जो भी जिस तरह से भी इंट्रोड्यूस करते हैं, ये तो आज जो हमने बातचीत की है ये पार्ट वन रहा है हमारा, उसमें जो टेक्नोलॉजी के कारण जो एस्थेटिक्स में जो चेंजेस आई हैं, क्योंकि वो तो पूरी सेंसिबिलिटी ही बदल गई है। पहले हमें जो कलर्स कॉम्बिनेशंस के बारे में पता होता था कि भाई 257 260 इतने तक के कलर कॉम्बिनेशंस का जिक्र मिलता है, क्लोदिंग के हमें मिलता है, भोजन के जो मिलते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ने आकर के इतने डिफरेंट दे दिए हैं, उसको आप लोग किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं? ये एक बात है कि टेक्नोलॉजिकल एस्थेटिक्स जो है, उस जो सेंस उसमें डेवलप की है,
और जो चेंज लाए हैं, जो परिवर्तन लाए हैं टेक्नोलॉजी, उसको कैसे आप लोग समझते हैं और कैसे हैंडल करते हैं। नंबर दो, आज के इस वेबिनार से क्या आपको लगता है कि कहीं पर होम साइंस में इस तरह की होम साइंस के सिलेबसेस को थोड़ा रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, उसे रीओरिएंट करने की जरूरत है कि उसमें कुछ पैराडाइम्स, कुछ मटेरियल जो है वो अपनी ट्रेडिशन का भी डाला जाए और उसे हम ज्यादा, ताकि ज्यादा बेहतर सोसाइटी को बना सकें। जी मैम। थैंक यू सर फॉर पुटिंग अप द क्वेश्चन फॉर मी। एक्चुअली आई डोंट नो द सिलेबस ऑफ योर कॉलेज, पर होम साइंस में एस्थेटिक एक अपने आप में बेस है। वो हमारा इंटीरियर डिजाइन मैनेजमेंट का कोर्स होता है, उसमें एस्थेटिक एक फुल फ्लेज्ड टॉपिक है जो बच्चों को पूरे कलर्स, लाइन, शेप, टेक्सचर सारा बताया जाता है, इवन इंक्लूडिंग फाइन आर्ट्स। और हमारा जो ये टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में भी एस्थेटिक पूरी तरह से इन्वॉल्व है, उसमें पूरी डिजाइनिंग, कलर, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन दैट। तो मतलब एस्थेटिक हमारा बेस है होम साइंस में। रीस्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, हाँ, उसको और ज़्यादा हाईलाइट करने की जरूरत है कि हम उसको और फोकस करें। अब फूड एंड न्यूट्रिशन में भी खाने को हम अपीयरेंस में, शेप में उसको चेंज कर रहे हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उसकी इनर ब्यूटी पर फोकस कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन में हम। एंड इन द सेम वे हम जो हमारा एक ह्यूमन डेवलपमेंट और एक फील्ड है, वहाँ पे उनको हम प्रॉपर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं सो दैट दे डेवलप बेटर पर्सनैलिटी इन देयर लाइफ। सो हमारे होम साइंस में 5 फील्ड होते हैं, क्लोथिंग, टेक्सटाइल, फूड एंड न्यूट्रिशन, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। वॉट एवर वी टीच इन ऑल 4 मेजर कोर सब्जेक्ट, that is extended to the community. So aesthetic हमारा base है, हर जगह हम उसको involve करते ही करते हैं। Personality grooming में हो, घर की देखभाल में हो, सफाई में हो, या खाना बनाने में हो, हम जब उसको nutritive बनाते हैं तो aesthetic appearance का हम बहुत ध्यान रखते हैं। जी जी, okay. I think madam agree with me what I am saying. मैं तो सवाल कुछ ऐसे पूछता ही रहता हूँ तो, लेकिन वो प्रॉपरली कभी सिलेबस, चलिए मैं देखूंगा एक बार सिलेबसेस के थ्रू जा करके, फिर हम देखते हैं कि भी कोई इसमें चेंजेस लाई जा सकती हैं कि नहीं, और लाई जा सकती हैं, या कुछ इंक्लूड इस तरह का किया जा सके जो इंडियन, जिसे हम कह सकें कि दिस इज व्हाट इंडियन इज इन द सिलेबस, ठीक है ना। तो बाकी क्योंकि टेक्नोलॉजी की अब इस वक्त जितना ज़्यादा प्रभाव आ रहा है और उतने एस्थेटिक सेंस को बदल दिया है, तो वहाँ पर हमारे एस्थेटिक वैल्यूज़, जो ट्रेडिशनल एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं, जैसे हम घरों में बैठते हैं, जिस तरह के कपड़ों को चूज़ करते हैं, और जो अब बच्चों में आ रहे हैं चेंजेस, उनके तालमेल को बिठाने में तो मुझे लगता है आप लोगों को दिक्कत आती होगी या नहीं, या इट्स ओके विद दैट? नहीं सर, अब देखो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया, कपड़ों में सबसे ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस दिख रहा है, इवन खाने में भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस दिख रहा है। तो बच्चे क्या कहते हैं, हमारी इंडियन ट्रेडिशन को छोड़ के कंफर्टेबल ड्रेसेस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, व्हाट एवर दे फील कंफर्टेबल, क्योंकि उनको बाइक पे जाना है, उनको ट्रैवल करना है, भाग दौड़ करनी है, सो मे बी दे कांट हैंडल 2-3 आइटम्स, तो उन्होंने उसमें फैशन में बहुत चेंज आया है, टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस है, और खाने में भी सेम कि पीपल जो है दूसरे चाइनीज और इटालियन और ये सब चीज़ें पसंद कर रहे हैं बच्चे, और न्यूट्रिशन को इग्नोर कर रहे हैं। सो ये फर्क तो आ रहा है जिसे वी नीड टू टैकल वेरी कॉशियसली। एक मेरा ख्याल है सवाल है सहजोत अहूजा की। मैडम सहजोत, आर यू लिसनिंग? यस सर, एम आई ऑडिबल? थैंक यू सर। सर मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की छात्रा हूँ, और सर मेरा सवाल एक्चुअली ना ही किसी धर्म से रिलेटेड है, ना किसी वेद के कॉन्टेक्स्ट में है, मैं आज की दुनिया से बात करना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी तक हमने सुना सौंदर्य की कोई भाषा एज सामने नहीं आई है,
बट व्हेन इट कम्स टू मिस इंडिया मिस यूनिवर्स तो उनके मापदंड हैं कि लड़की लंबी होनी चाहिए पतली होनी चाहिए कम्प्लेक्शन फेयर होना चाहिए तो क्या हेल्दी लड़कियां सुंदर नहीं या उनका सौंदर्य के मापदंड को बदलने की जरूरत है थोड़ी हेल्दी लड़कियां हों छोटी हाइट वाली हों कम्प्लेक्शन डार्क हो तो क्या वो इन कॉन्टेस्ट्स का पार्ट नहीं हो सकती और सेकंड क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का पार्ट है कि क्या वाकई में ही मिस इंडिया मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड जैसे टाइटल्स की जरूरत है हमें सो दिस इज माय क्वेश्चन हाँ बिल्कुल कि क्या वही अल्टीमेट पैराडाइम है ब्यूटी के तो आई विल रिक्वेस्ट बोथ द स्पीकर्स वेरी ब्रीफली हाँ आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि नाइजीरिया की लड़कियां पेरू की लड़कियां मेक्सिको की एंड यू नो दैट मेक्सिकन गर्ल्स आर नॉट फेयर दे आर नॉट वेरी फेयर दे आर रादर वीटिश इन कॉम्प्लेक्शन एंड वी इंडियंस आर ऑल्सो वीटिश इन In fact, Sushmita Sen is, in fact, Priyanka Chopra, they have been wheatish in complex. So, aisa nahi hai ki gora hona ya physical features, of course, physical features are important. And that is why they have different rounds to see if they are in shape. And to be in shape indicates that the person or the contestant is physically fit. Right. So the aim is not only to judge them on physical features, but yes, color, so far color goes, it is not a concern. It is not one of the, any of the issues. Color could be because usme participation jo hai, aapki African countries se bhi rehti hai, Chinese countries se bhi rehti hai. Aur bahut, bahut se aise humare paas conditions aati hai, jisme hum dekh sakte hai ki ye sab rules jo hai, बाईपास होते हैं और दूसरा प्रश्न कि हमें इसकी जरूरत है या नहीं है सर्टेनली मुझे लगता है कि ये एक जैसे मैंने अपनी बात में भी कहा था कि कहीं ना कहीं इसका एक पॉलिटिक्स भी है जहां पर आपको अपनी मार्केट बढ़ानी होती है जहां पे किसी कंट्री ने इन्वेस्ट करना है तो वहां पर वो वहां की एक मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स कुछ भी निकालते हैं ये भी अपने आप में है पर फिर भी मुझे लगता है कि जो उसका लास्ट राउंड होता है ब्यूटी पेजेंट का दैट इज द इंटेलेक्चुअल कोशेंट दैट इज द ईक्यू कि आप कैसे जज करते हैं और इसमें भी बहुत सारी ये फ्रेमवर्क्स हमें उपलब्ध होते हैं कि प्रश्न और उत्तर जो होते हैं वो पहले से बने बनाए भी हो सकते हैं पर फिर भी मुझे लगता है कि एक तरह से कि इसकी जरूरत है या नहीं है मुझे लगता है कि आज की दुनिया में इसको अगर हम नकारात्मक रूप से भी देखें कि इसके बिना भी काम चल सकता है तो मुझे लगता है कि चल तो सकता है लेकिन क्योंकि अब ये एक ट्रेडिशन बन चुका है कि हम औरतों को एम्पावर करना चाहते हैं आप इस तरह से इसको देखिए कि जब ये लड़कियां जीतकर अपने अपने देशों में लौटती हैं तो ये क्या काम करती हैं किस तरह की इनको एम्पावरमेंट मिलती है अगर तो ये सिर्फ अपने बॉलीवुड और हॉलीवुड में जाके सेटल होती हैं और कोई चैरिटी नहीं करती कोई फिलैंथ्रोपी नहीं करती हैं कोई समाज को जैसे वी कॉल इट दैट दे डोंट गिव बैक टू द सोसाइटी तो मुझे लगता है इसका कोई प्रयोजन नहीं है बट वी जनरली सी दैट दे डू गिव चैरिटी दे डू परफॉर्म एक्ट्स विच आर फिलैंथ्रोपिक इन नेचर तो इसलिए मुझे लगता है कि इट एम्पावर्स द वुमेन ये एक तरह का एम्पावरमेंट करने का भी काम करता है बाकी ये मैम भी बता सकते हैं इस प्रश्न को मैडम नीलम हाँ सर थैंक यू सर सहजोत मैडम जी आपने जो क्वेश्चन पुट अप किया है कि इसके बिना भी काम चल सकता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसके बिना काम नहीं चल सकता क्योंकि ट्रेंड बुरा नहीं है अगर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है कि वो छोटी हाइट वाले वहां कम्पीट नहीं कर सकते तो छोटी हाइट के लिए एक डिफरेंट
प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि ग्लैमर एक अपने आप में बहुत बड़ा वर्ल्ड है और ग्लैमर से बहुत लोगों की मेंटल पीस काफ़ी हद तक मेंटेन है, तो हम वो नहीं करते। लेकिन हाँ, कुछ हद तक अगर प्रोसीजर में कट ऑफ करना है तो सोचा जा सकता है, लेकिन जो चल रहा है वो वुमेन को एम्पावर करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। और ऐसा नहीं कि हर हाइट वाली लड़की को वो लोग चूज कर लेते हैं, उनके अपने बहुत सारे जबरदस्त क्राइटेरिया होते हैं और पर्सनल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है। एटलीस्ट फिजिकली कॉन्शियस होता है, ना ही वो बल्कि सभी लोग फिजिकली कॉन्शियस होते हैं जब वो देखते हैं। सो इट इज, मतलब ये जो चल रहा है इसको खत्म नहीं करना है, लेकिन या आपको लगता है छोटों के लिए एक और प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सकता है, बिकॉज चाइनीज है, इंडियन है, उनकी जनरली हाइट 5 feet उससे कम होती है और वहाँ पे तो 5.5 अबव वगैरह इस तरह से लिया जाता है। सो आई एग्री कि जो चल रहा है ठीक है, लेकिन उसमें कोई चीज अगर आपको नहीं ठीक लगती तो आप प्रोसेस में वी कांट डू, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजर, पर इट इज गुड फॉर द हेल्थ कॉन्शियस एंड पर्सनल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। मैम शिवानी मैडम बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो आई एग्री विद हर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आया हुआ है, अगर इफ आई कैन जस्ट टेक अप, आनंद जी का। एक सेकंड मैम, मैडम सहजोत को मैं एक थर्ड एंगल से बात करना चाहता हूँ इस सवाल का, कि देखिए क्योंकि इस वक्त जितनी इंडस्ट्री और ट्रेड हावी हो गया है ह्यूमैनिटी के ऊपर, तो वहाँ आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। सिर्फ ये उम्मीद हो सकती है कि हम जैसे सभी लोग जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो लोग ये सवाल कर रहे हैं और जानना चाहते हैं और एक संभावना की तलाश कर रहे हैं कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, जो पैराडाइम्स, जो मॉडल्स जो हैं इंडस्ट्री ने सेट कर दिए हैं। तो इसलिए आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और हमारे पास इसके बातचीत करके एक वैकल्पिक व्यवस्था बन जाएगी निश्चित रूप से, जहां पर हम आपको या दूसरे लोगों को बिल्कुल एक मनुष्य के रूप में एक्नॉलेज करेंगे, ना कि आप कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर खरे उतरते हैं प्रोफेशनल पैरामीटर्स पे, वो उसमें महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। तो ये एक मुझे लगा कि बात करना चाहिए। लेकिन आप मैडम शिवानी, ये मेरे मुझे लगता है लास्ट रिप्लाई रहेगा जो भी आपका प्रश्न है, और उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। जी जी, नहीं, प्रश्न तो आनंद जी ने रखा है कि महाभारत में जैसे द्रौपदी बहुत सुंदर मानी गई है, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि हिडिंबा के बारे में भी हम क्या ये बोल सकते हैं। मेरा उनसे परिप्रश्न ये रहेगा कि आप हिडिंबा को किसकी नजर से देखना चाह रहे हैं, किसकी नजर से आप उनको जज करना चाह रहे हैं, तो वो उत्तर अपने आप मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप वहां पे जो परसीवर है, हिडिंबा को देखने वाला कौन है, अगर उन्हीं की प्रजाति का है तो हिडिंबा भी सुंदर है। जी जी, थैंक यू, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। चलिए, कोई मुझे लगता है कि अगर किसी का कोई कमेंट है, कोई किसी ने कोई बात कहनी है बहुत ब्रीफली, नहीं तो मैं धन्यवाद करने के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैडम याचना करूंगा। और हमारे साथ डॉक्टर विनय सिंघल जी कैथल से, डॉक्टर शमशेर जी दीन से, चार्ट कॉलेज से सर, और डॉक्टर बाकी सभी लोग, डॉक्टर सिंह के साथ भी साथ में जुड़े हुए थे। जी डॉक्टर शमशेर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे बिल्कुल, सभी को नमस्कार जी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल सर। देखिए, मैं एस्थेटिक्स में मेरा भी इंटरेस्ट है, और जहां तक मैं समझता हूँ कलर मैटर्स इन एस्थेटिक्स, फिजिकल शेप्स एंड फिजिकल ब्यूटी इट ऑल्सो मैटर्स। और रविंदर जी जो फिल्मी दुनिया में उनका उनकी रुचि है, उनका इंटरेस्ट है, वहाँ सत्यम शिवम सुंदरम, जब वो लड़की एक उसका चेहरे की एक साइड जली हुई दिखाई देती है, तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है, हिल जाती है। जी जी, अगर सत्यम शिवम सुंदरम होता तो वहाँ शशि कपूर को वो हीरोइन बहुत पसंद आती, बेशक उसका एक साइड से चेहरा जला होता। और अभी शिवानी जी ने जो बात कही कि मार्केट पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं वहाँ, हाँ, जिस देश में मार्केट
उन प्रोडक्ट्स की अच्छी होती है वहाँ सबका इंटरेस्ट होता है, इसलिए इंडिया में बहुत सारे जो की कॉन्टेस्ट है वो इंडिया ने जीते। धन्यवाद, धन्यवाद। सो नाउ आई इनवाइट मैम याशना टू प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स फॉर ऑल द कॉलेजेस हु आर देयर विद अस एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड द स्पीकर्स। मैम याशना। Yes, good afternoon everyone. It was really an eye-opening and awakening session for all of us, I guess. And on behalf of all the collaborated colleges of Haryana and organizers, I would like to extend my special thanks to our eminent speakers for the webinar. And ma'am, please accept our sincere appreciation for enlightening us with such an informative presentation on the topic, concepts and constituents of aesthetic in Eastern and Western traditions. It was really awakening and motivating, and I am very much less of words right now because बहुत ही अंदर तक ये चीजें हमारे जा चुकी हैं, जिस तरह से आपने हमें explain किया है beauty के लिए, बहुत ही अलग एक कंसेप्ट हमने देखा जिस तरह से आपने हमें समझाया। एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर द टाइम यू टुक आउट फॉर अस एंड फॉर द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक आवर वर्दी प्रिंसिपल सर फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस फॉर organizing such interesting webinars with the interdisciplinary approach. And I'm also very much thankful to all the organizers for from all the collaborated colleges for such a wonderful collaboration with us. Thank you so much, and thanks participants for being such a lovely audience. Thank you so much everyone. Thank you for today's discussion. धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार आप सब लोग जुड़े। और मुझे लगता है कि यदि आप सभी लोग पहले से ज़्यादा प्रश्न लेके जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये वेबिनार जो है ये सफल है। और ये पार्ट वन था, इसका पार्ट टू हम जल्दी ही दोबारा से टेकअप करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ और जानने को बाकी है। इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद। और आप लोग के लिए लिंक जो है सर्टिफिकेट के लिए, वो मैडम ने शेयर कर दिया है, पहले ही कर दिया था, उसको आप भर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज आप हमें बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद नरेंद्र जी, और आपसे मैं फिर बाद में बात। जी जी हाँ जी, जी भी हमारा